नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस कोर्स में जिसका नाम है ज्योतिष प्रारंभ। और ये इस कोर्स का हिंदी बैच है, इस कोर्स का एक बैच अंग्रेजी में भी चल रहा है। और आप में से कोई विद्यार्थी अगर दोनों ग्रुप में ऐड होना चाहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति ऐड होना चाहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको दोनों ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोनों ग्रुप में ऐड करने में मुझे कोई समस्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहली क्लास में, क्योंकि हम जो है पूरा ज्योतिष को जो है उसके मूलभूत तत्वों से पूरा सीख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले जो है किसी भी चीज की जो है क्या बोले उसको किसी भी चीज की जो है उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में समझना बड़ा आवश्यक है। तो यहाँ पर जो है हम जो है ज्योतिष के अस्तित्व में आने के जो है दर्शन के बारे में जानेंगे। ये वैसे तो एक टेक्निकल क्लास नहीं है जहाँ पर आपको मैं कोई टेक्निक वेक्निक या कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ दर्शन बताऊंगा, वो दर्शन जिससे ज्योतिष का उदय होता है और इसके साथ ही कुछ अन्य जानकारियां जो कि भरत पराशर होरा शास्त्र जो कि ज्योतिष का सबसे ज्यादा सर्वमान्य ग्रंथ है, लेकिन बहुत ही बाद के समय में बाद के लोगों के द्वारा लिखा गया है तो भरोसेमंद तो नहीं है, लेकिन सर्वमान्य ग्रंथ है। तो उसके पहले और दूसरे चैप्टर में आने वाली सारी जानकारी जो है इस स्लाइड में आपको वीडियो के द्वारा साझा की जाएगी, ठीक है। मेरी हमेशा सलाह है कि आप जो भी मैं पढ़ाऊं उसको एक कॉपी में नोट करते चलें, साथ में लिखते चलें, उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि बार बार पढ़ने से और उसको इस्तेमाल करने से ही जो है आप ज्ञान को संगोपांग कर पाएंगे, अपने अंदर रख पाएंगे उसको और उसके ऊपर गहन चिंतन कर पाएंगे। एक बात आप जरूर याद रखिए कि ये जो कोर्स है ये पूरा मैं डिजाइन करता हूं और मेरे द्वारा बनाई गई चीजों में, अपनी थोड़ी तारीफ कर लूं, मेरे द्वारा बनाई गई चीजों में कभी कोई कमियां नहीं होती, ठीक है। तो मैं अगर किसी भी चीज का जिक्र कर रहा हूं लेकिन उसको समझा नहीं रहा हूं, जैसे अभी जो जिस दर्शन की हम बात करेंगे, इस दर्शन में जो है ज्योतिष की कोई बात नहीं होगी, लेकिन ज्योतिष के कोर्स में मैंने इसको जोड़ा है तो कहीं ना कहीं तो इसका इस्तेमाल होगा ज्योतिष में। तो अब वो आपकी बुद्धि के ऊपर है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि देखिए ये जो समझ है, जो समझ आपको इस वीडियो में से मिलेगी, ये समझ होना बहुत आवश्यक है। इस समझ के बिना जो है आपको ये नहीं पता चलेगा कि चीज कैसे बन रही है, चीज कैसे काम कर रही है, लेकिन इस समझ का इस्तेमाल कब और कहां करना है ये आपके खुद के विवेक पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसी के साथ, इस छोटे से नोटिस के साथ चलिए हम कोर्स को शुरू करते हैं, गणेश जी को प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले गणेश की प्रार्थना के साथ हम इस कोर्स को प्रारंभ करेंगे, तो साथ में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा जिनको आता है, और नहीं तो फिर तो जैसा है जो भी है बेहतर है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभम निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो इसी के साथ अगली स्लाइड से जो है हम प्रारंभ करते हैं इस कोर्स को। तो सबसे पहले जो शब्द, जिस एक शब्द का इस्तेमाल होता है पुस्तक में जो कहते हैं त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो तीनों कालों को जानता हो। काल तीन होते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान। अगर आप भारतीय चिंतन की अन्य पुस्तकों को पढ़ें जैसे भगवत गीता, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि समय जो है, देखिए आधुनिक विचारधारा जिसको आप पाश्चात्य विचारधारा भी कह सकते हैं, वो ये मानती है कि समय जो है एक रास्ते के जैसा है, एक समय बीत चुका है, एक समय आने वाला है और बीच में कहीं पर आप खड़े हैं। एक ही अस्तित्व को जो है पाश्चात्य विचारधारा स्वीकार करती है, क्योंकि पाश्चात्य विचारधारा जो है हमारी इतनी समृद्ध नहीं है। हिंदू विचारधारा को अगर आप देखेंगे, अगर आपने गीता का अध्ययन किया होगा तो आप इस बात को अवश्य जानेंगे कि कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों को तुम मारने वाले हो वो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, ये जो तुम यहाँ पे खड़े हो, ये भी तुम जो खड़े हो वो पहले भी खड़े रह चुके हो और आज के बाद भी खड़े रहोगे। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज इस बात की ओर इशारा करती है कि भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई एक आयाम की ही नहीं है, बहुत बहुआयामी है। कुछ दिनों पहले मैं एक तस्वीर को देख रहा था, तो उस तस्वीर में लिखा हुआ था कि इस धरती पर जो भी हो रहा है वो 4.5 प्रकाश वर्ष से अधिक, 4.5 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक जो है नहीं आगे जा सकता। तो ये एक ऐसी बात को दर्शाता है कि देखिए ब्रह्मांड बहुत बड़ा है और इस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और उस एक आकाश गंगा के एक छोटे से हिस्से और एक छोटे से टुकड़े में हम रहते हैं। तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है अगर कल को विज्ञान ये खोज ले कि हमसे भाई अरबों खरबों मीलों की दूरी पे दूसरी आकाश गंगा है, जहां पर जो धरती हमारी है वही धरती वहां पर भी है, लेकिन वहां से 100 साल पीछे चल रही है और एक और आकाश गंगा है जो कि 100 साल आगे चल रही है। अगर इसको खोज लिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो भारतीय चिंतन ये मानता है कि समय जो है सिर्फ एक लंबी इकाई पे ही काम नहीं करता, समय दरअसल एक गोल इकाई पे काम करता है, समय दरअसल एक से अधिक पटरियों के जैसा है। एक समय है जिसमें आप अभी जी रहे हो, एक व्यक्ति आप हो जो आप अभी जी रहे हो, और किसी ब्रह्मांड पे एक व्यक्ति आप रहोगे जो आज से 50 साल आगे का होगा, और एक ब्रह्मांड पे एक व्यक्ति आप रहोगे जो आज से 50 साल पीछे का रहेगा। तो भारतीय चिंतन इस बात को मानता है कि भाई सच्चाई की जो है बहुत सारी परतें होती हैं और समय जो है इकहरा एक गति में ही नहीं चलता, जबकि साथ साथ बहुत सारे समय, बहुत सारे साइमल्टेनियस जो है टाइम चलते हैं।
इसको मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि आप अगर ये वीडियो अभी के समय सुन रहे हैं तो आप तो ये वीडियो सुन रहे हैं, ये तो आपकी सच्चाई हुई, लेकिन किसी और व्यक्ति की सच्चाई है भाई कि कोई मर रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई थका हुआ है, किसी को कोई पीट रहा है। तो अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं वीडियो देख रहा हूं तो दुनिया की सिर्फ यही सच्चाई है कि सिर्फ मैं वीडियो देख रहा हूं और कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा। तो दूसरा व्यक्ति जो किसी दूसरे काम में लगा हुआ है वो भी एक सच्चाई है, लेकिन क्योंकि आप उस सच्चाई को देख नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चाई आपको फर्क नहीं डालती, इसलिए उस सच्चाई का एहसास जो है आपको नहीं है। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि समय जो है, समय बहुत एक लंबी सी चीज, समय बहुत एक लंबी और चौड़ी चीज है, और समय एक तीन चार पटरियों के जैसा है, जैसे कि एक पटरी पे एक ट्रेन चल रही है, उसके बगल में एक पटरी है, उस पटरी पे भी कोई ट्रेन चल रही है, वो थोड़ी आगे चल रही है, वो थोड़ी पीछे चल रही है। तो आप क्योंकि आपने चार पटरियों में से एक पटरी में आपकी ट्रेन जा रही है और तीन पटरी को खाली देख रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तीन पटरियां खाली हैं, उन तीन पटरियों पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन इंसानी सामर्थ्य वो नहीं है कि वो बाकी उन तीन पटरियों पे क्या हो पा रहा है उसको देख सके, वो सिर्फ उस पटरी का ही कर्म देख सकता है जिसपे की उसकी ट्रेन चल रही है, और वो भी सिर्फ तभी का देख सकता है जहां की वो चल रही है। जैसे मानिए कि मैं कानपुर से लेकर दिल्ली आ रहा हूं और बीच में अलीगढ़ जंक्शन पे मेरी ट्रेन खड़ी है और तीन पटरियां हैं, एक पटरी पे मैं हूं और दो पटरी पे कोई ट्रेन नहीं है, तो मैं सिर्फ इतनी सच्चाई देख पा रहा हूं कि मैं भैया अलीगढ़ जंक्शन पे खड़ा हूं। अब पीछे कानपुर से अलीगढ़ वाली सेम पटरी पे कौन सी गाड़ी है और आगे अलीगढ़ से आगे नई दिल्ली तक सेम पटरी पे कौन सी गाड़ी है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। ये एक आम इंसान की सोच हुई। अब अगर ये इंसान ज्योतिष जानता है तो त्रिकालज्ञ वो होगा, तीनों कालों को जानेगा, तो तीनों कालों को जानने से उसको क्या होगा कि उस पटरी पे, जिस पटरी पे मेरी ट्रेन खड़ी है, उस पटरी पे कानपुर से लेकर के दिल्ली के बीच में और जितनी ट्रेनें खड़ी हैं उन सब की जानकारी मुझे मिल जाएगी। ये हो गया त्रिकालज्ञ होना। लेकिन जो भगवान है वो इस त्रिकालज्ञ से भी आगे है, वो बहुकालज्ञ है, वो हर काल को जानता है। तो वो क्या है कि वो एक ही पटरी को नहीं, वो तीनों पटरी में कहां कहां कब कब क्या क्या हो रहा है उस सब को जानता है। इसके लिए मैं एक आपको चीज कहना चाहूंगा कि भाई ज्योतिषी को दैवज्ञ कहा गया है। दैवज्ञ मतलब होता है जो भगवान के बराबर हो, लेकिन ज्योतिषी को भगवान नहीं कहा गया, क्योंकि ज्योतिषी कभी भी हो अपनी सोच के दायरे को, अपने ज्ञान को, अपने विज्ञान को इतना अधिक ही जोड़ सकता है कि वो जिस समय में वो रह रहा है उसी समय के आगे पीछे दिख सके, वो साथ में चलने वाली दूसरे समय को जो है दूसरे समय में वो टैप नहीं कर सकता, या बोले तो समय में यात्रा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इंसान के ज्योतिष होने का एक लिमिटेशन है जो इंसान को भगवान से अलग करता है। ठीक है, वैसे तो इस बात के कहे जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इस बात को कहना इसलिए आवश्यक है। देखिए, चीज को इस प्रकार से सोचिए कि इस बात का ज्ञान आपको ये बता देगा कि मान लीजिए कि भाई बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भाई जैसे आजादी की कुंडली से ये पता लगाना कि भाई आजादी के पहले क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ कि भाई ज्योतिषी केवल त्रिकालज्ञ ही हो सकता है, जो कुंडली है वो सिर्फ तीन कालों को देख सकती है। तो उसमें क्या है कि जब आजादी हुई तो उस समय का वो घटना देख सकती है, आजादी के बाद जो घटना होगी उस समय की घटना देख सकती है, लेकिन आजादी के पीछे की जो है घटना को वो देख नहीं सकती। तो ये जो है, ये चीज जो है, ये जो ज्ञान है कि भैया इंसान त्रिकालज्ञ होता है और भगवान बहुकालज्ञ होता है, ये इस बात को बताने के लिए है कि ज्योतिष में जब आप कुंडली देखें तो आप लिमिटेशंस को समझ पाएं कि भाई जैसे एक व्यक्ति की कुंडली है आपके पास, तो आप ये तो देख सकते हैं कि उसके अभी के कर्म क्या है, आगे के कर्म क्या होंगे, पिछले जन्म के कर्म क्या होंगे, और आप उससे ये भी देख सकते हैं इसके भाई बहन कौन है और भाई बंधु कौन है और कौन है और कौन नहीं है। लेकिन आप उससे ये जानने की अगर आप कोशिश करेंगे कि भैया इसके भाई के जीवन में आगे क्या होगा या इसके भाई के जीवन में पीछे क्या हो चुका है, तो इसको जानना संभव है। बहुत ज्योतिषियों ने इसके लिए नियम भी बनाए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो नियम है ये नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, या फिर इसको आप बोले तो ये ज्योतिष के दर्शन के खिलाफ है, क्योंकि वो जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति जिसको आप पहले व्यक्ति की कुंडली से देख रहे हो, वो एक अपने समय के स्फेयर में, अपने समय के डायमेंशन में जीता है, इसलिए उसकी कुंडली को किसी और की कुंडली के द्वारा जो देखा जाना है वो चीज जो है एक गलत प्रथा है और उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसे किसी चीज को करना है, जैसे मान लीजिए आपको दोनों भाई की कुंडली देखनी है या पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी है, तो ये ना करके कि पति की कुंडली से ही पत्नी को देखा जाए, ये हमेशा अच्छा है कि पत्नी की कुंडली को भी देखा जाए और पति की कुंडली को भी देखा जाए, और एक कुंडली से दोनों को देखने की ना कोशिश की जाए। जब आप ऐसी कोशिश करेंगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में कुछ जो है लिमिटेशंस आएंगी, प्रत्यक्ष रूप में कुछ जो है रुकावटें आएंगी, और वो रुकावटें जो है उसको आपको रियलाइज करना चाहिए। और जब भी आप कोई नया टेक्निक बनाए, किसी नई चीज पे सोचें, किसी नई बात पे सोचें, तो इस त्रिकालज्ञ वाली बात को जो मैंने अभी अभी बोली हमेशा ध्यान में रखें, ये ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर कहता है वो ये कहता है कि जो ज्योतिष है वो वेदांगों में सर्वश्रेष्ठ है, ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, और प्रश्नमार्ग नाम की एक ज्योतिष पुस्तक ये भी कहती है कि भैया ज्योतिष तो वेदों का जो है नेत्र है,
तो नेत्र होने के नाते क्या है कि अगर व्यक्ति के पास शरीर के सारे अंग हो लेकिन नेत्र ना हो तो वो सबसे ज्यादा अपाहिज अवस्था में होता है, और अगर व्यक्ति के पास नेत्र हो लेकिन बाकी के कोई और अंग ना हो तो काम चल भी सकता है। जैसे मान लीजिए व्यक्ति लंगड़ा है लेकिन उसके पास अगर आंखें हैं तो फिर भी वो अपना काम थोड़े अच्छे तरीके से कर सकता है। व्यक्ति गूंगा है उसके पास आंखें हैं तो भी वो अपना काम जो है अच्छे तरीके से कर सकता है, लेकिन आंख ना होने की स्थिति में जो है बहुत ही बड़ी जो है कमजोरी होती है। इसलिए ज्योतिष को जो है सर्वोपरि माना गया है। बेशक आज के समय में लोग जो है ज्योतिष के बारे में कुछ भी बातें करें, और लेकिन सच्चाई यही है कि ज्योतिष जो है वेदों का नेत्र होने की वजह से जो है वेदों में सर्वश्रेष्ठ है। और इसके बारे में एक पॉइंट आपको इस वीडियो के पूरे अंत में मिलेगा, उस पॉइंट को भी आप बड़ा ध्यान से देखें कि भाई ऋषि पराशर ने खुद बोला है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को जाने बिना ज्योतिष की निंदा करता है वो अगले जन्म में जो है अंधा बन के पैदा होता है। तो ये इस बात का संकेत है कि आप श्री विष्णु के जिस अंग की बुराई करेंगे, श्री विष्णु के जिस चीज को आप महत्ता नहीं देंगे, अगले जन्म में श्री विष्णु आपसे वो चीज छीन लेंगे। तो ज्योतिष का जो है नेत्रों के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो इसके लिए अगर आप कभी किसी जैसे किसी अंधे व्यक्ति की कुंडली देखें तो मैं ये आपको नहीं मना करूंगा कि भैया आप अंधे व्यक्ति की कुंडली ना देखो, या फिर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जो भैया जो व्यक्ति अंधा है वो ज्योतिष नहीं हो सकता, लेकिन आप इस बात को अवश्य समझ लें कि जो व्यक्ति इस जन्म में अंधा है उसने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं जो है ज्योतिष को लेकर के कुछ बुराई की होगी, कुछ बुरी बातें बोली होंगी, अविश्वास किया होगा उसके बारे में, कुछ अंधविश्वास फैलाने की कोशिश की होगी। तो ये पहली चीज है। उसके बाद जो छंद है वेदों के बहुत अंग हैं, उन बहुत अंगों में जो है यहाँ पर खास तौर पे जो है ज्योतिष, छंद, व्याकरण, कल्प, शिक्षा और निरुक्त, इन जो है सात ही अंगों की बात की गई है। तो उन सात अंगों में से जो है ज्योतिष जो है वो वेदों के नेत्र हैं, छंद जो है वो वेदों के पैर हैं, व्याकरण जो है वो वेदों का चेहरा है, कल्प जो है वो वेदों के हाथ हैं, शिक्षा जो है वो वेदों की नाक है, और निरुक्त जो है वो वेदों के कान हैं। तो अब इसमें जो है चीजों को देखिए, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आप एक चीज को समझ के चलिए कि भाई एक कहावत आपको ज्योतिष में बड़ी सुनने को मिलेगी कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब ब्रह्मांड में जैसा है वैसा ही पिंड के अंदर है। मतलब इस आकाश में, आसमान में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है इस चराचर जगत में, वो इंसान के बाहर भी है, इंसान के अंदर भी है। अब भैया अगर वो चीज इंसान जो कि एक छोटी आत्मा है उसके अंदर भी है बाहर भी है, तो ये बहुत ही सहज सी बात है कि भाई जो परमात्मा है उसके भी वो सब चीजें अंदर होंगी और उससे बाहर कुछ हो नहीं सकेगा। तो ये पूरी दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये इंसान जो है वो सब जो है एक बड़े काल पुरुष के जो है भीतर है। काल पुरुष को आमतौर पे विष्णु माना जाता है और अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। मैंने अपने एक पोस्ट में बताया था आपको कि काल पुरुष भी कई प्रकार के होते हैं। विष्णु काल पुरुष होता है, एक शिव काल पुरुष होता है, एक देवी काल पुरुष होती है। खैर वो दूसरी स्तर की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस चीज को मान के चलिए कि ज्योतिष या फिर आप बोले तो भारतीय दर्शन जो है वो हर चीज को किसी ना किसी रूप में देखता है, ठीक है। तो उसने वेदों को भी इंसान के रूप में देखा है, ठीक है। और ऐसा क्यों देखा है, इसे देखने के पीछे सोच क्या है, वो मैं आपको कुछ समय में बताऊंगा। इसमें देखिए सबसे पहले बात आती है छंद की। छंद जो है, छंद को वेदों का पैर कहा जाता है। अब वेद को जो है आप एक इंसान के साथ समझ लें कि वेद के रूप में श्री विष्णु ही आपके सामने खड़े हैं। तो उसमें जो छंद है वो छंद बताता है ऋषि के बारे में और देवताओं के बारे में। अगर आपने कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा तो आपको पता होगा कि भैया हर स्त्रोत के पहले जो है एक छंद होता है और उसके एक देवता होते हैं और उसके एक ऋषि होते हैं। या फिर कोई भी अगर आपने मंत्र पढ़ा होगा, अगर आप मंत्र शास्त्र के ज्ञाता हैं, अगर आपको कोई मंत्र मिला है तो आपको मालूम होगा कि उस मंत्र का एक देवता है, जो देवता उस मंत्र की रक्षा करता है, और एक ऋषि है जिस ऋषि को वो मंत्र बताया गया है। तो एक बात को आप समझ लीजिए कि जो वेद है उन वेदों में दुनिया की सच्चाइयों को मंत्र के द्वारा जो है बताया गया है। जैसे कि आपका एक बहुत बहुत ही अच्छा गायत्री मंत्र है, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अब इसमें जो है सूर्य भगवान से या सविता से, सूर्य में नहीं बोलूंगा, सविता देवता से प्रार्थना की गई है। और सविता मतलब कोई भी परमात्मा हो सकता है, आप सूर्य चाहे तो सूर्य सविता हो सकता है, आप शिव चाहे तो शिव सविता हो सकता है, विष्णु चाहे तो विष्णु सविता हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बेसिकली गायत्री मंत्र में जो है ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो उससे जो है एक तरीके से आपको ये बताया गया है कि भैया जो परमात्मा है, जो सविता है, जो बहुत बड़ी आत्मा है, वही आपको भर्ग देता है, वही आपको धी देता है, वही आपको बुद्धि देता है, वही आपको ज्ञान देता है। तो बेसिकली अगर आप देखे हो तो ये जो गायत्री मंत्र है ये एक कैप्सूल ऑफ नॉलेज है। आप ऐसा समझो कि जैसे
होता है ना कि एक व्यक्ति, अब मान लीजिए कि एक कुछ दिन पहले मैंने एक कोटेशन पढ़ा था, कुछ लिखा हुआ पढ़ा था भाई, कि जिंदगी में आप सलाहें उन्हीं से लो जिनको, जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, उन लोगों से सलाहें मत लो जिनके जैसा आप बनना नहीं चाहते। अब ये जो शब्द है कि जिंदगी में उन्हीं से सलाहें लो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो, उनसे सलाहें मत लो जिनके जैसा आप नहीं बनना चाहते, ये एक तरीके से मंत्र के जैसा समझो, ऐसा ही कुछ मंत्र है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो लाइन है जिंदगी में जिनके जैसा बनना चाहते हो वाली लाइन, ये लाइन एक प्रकार से एक ज्ञान है। उस ज्ञान को जो है, उस ज्ञान को चाहो तो आप 100-150 अक्षरों के एक आर्टिकल में समझाओ, या उस ज्ञान को चाहो तो एक कैप्सूल करके छोटे से मुहावरे या लोकोक्ति के द्वारा समझाओ। तो आप एक तरीके से ये समझो कि जो मंत्र है वो मंत्र एक ज्ञान के कण का जो है मुहावरा है। जैसे अगर आप अद्वैत वेदांत को पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मंत्र होता है, वो जो मंत्र है, वो मंत्र जो है चैतन्य में जागृत होता है। ठीक है, रमन महर्षि कहा करते थे कि भाई मंत्र पढ़ने का ये मतलब नहीं कि आपके बाहर से कोई चीज आ जाएगी, मंत्र पढ़ने का ये मतलब है कि आपके अंदर जो चीज है उस चीज को जो है आप साक्षात्कार करो। मंत्र का मतलब होता है जब आप कोई मंत्र पढ़ते हो, रमन महर्षि की भाषा में, जब आप कोई मंत्र पढ़ते हो तो पहले आप उसको मुंह से बोलते हो। ठीक है, तीन प्रकार के जप होते हैं, वाचिक होते हैं, मानसिक होते हैं, वाचिक होते हैं और उपांशु होता है। तीन प्रकार के होते हैं, वाचिक, मानसिक और उपांशु, मैं ना भूल गया हूँ ठीक से, मुझे याद नहीं। ठीक है, तो तीन प्रकार के मंत्र का जाप होता है। सबसे पहले वाचिक जाप में जो होता है, आप मुंह से मंत्र को बोलते हो, क्योंकि भैया आपका कंसंट्रेशन नहीं है, मतलब आप जो है साक्षात्कार की अवस्था तक भी नहीं पहुंचे। उसके बाद उपांशु जप होता है, जिसमें कि आपके मुंह तो हिलते रहते हैं, ठीक है, तो मंत्र ना पूरा अंदर होता है ना पूरा बाहर होता है, उस समय आप थोड़ा सा जो है साक्षात्कार करने की अवस्था में आए होते हो, आपको हल्की सी झलक मिलती है आपके अंदर क्या है। उसके बाद जो है मानसिक जप होता है, जब मन पूरा मन, जब मंत्र पूरा मन के अंदर चल रहा होता है, आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो, तो उस समय आपको जो है अपने अंदर के परमात्मा का, अपने अंदर की उस बड़ी आत्मा का, जिस बड़ी आत्मा की ओर वो मंत्र इशारा कर रहा है, उसको आपको थोड़ा आभास होने लगता है। इस मानसिक जप, जप से ऊपर एक स्तर का जप आता है, जबकि आप पूरे तरीके से शांत होते हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके भीतर वो मंत्र लगातार चल रहा होता है। जैसे वो लोग, जो लोग बहुत समय से किसी मंत्र को कर रहे होंगे, वो ये समझ चुके होंगे कि बहुत, कि जब आप मंत्र को एक अच्छे समय तक कर लेते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपको उस मंत्र को पढ़ना नहीं पड़ता, आप चुपचाप से आंखें बंद करके बैठ जाते हो और उस मंत्र के बारे में सोचने लगते हो, और आपको लगता है अपने आप मेरे शरीर के अंदर में अपने आप वो मंत्र चल रहा है। तो वो जो मंत्र का शरीर के अंदर अपने आप चलना है, वो एक प्रकार से आत्मा का अपने अंदर के परमात्मा को पहचान लेना है, उसका जो है साक्षात्कार कर लेना है, उसके बारे में जान लेना है। ठीक है, तो ये जो है ये मंत्र का असली काम है। अब बात है कि भैया ज्ञान तो किसी के पास भी आ सकता है, और अगर किसी के भी पास आ जाए, अगर गलत हाथों में पड़ जाए, तो उसका जो है दुरुपयोग भी हो सकता है। तो उस दुरुपयोग को बचाने के लिए जो है उस मंत्र का एक देवता होता है। अगर आप उस देवता को खुश करना नहीं जानते, अगर आपको नहीं मालूम कि उस देवता की तरफ कैसे पहुंचा जाए, तो उस देवता की तरफ पहुंचे बिना, माने कि जब तक वो देवता आपके ऊपर आशीर्वाद का वरद हस्त आपके सर पे ना रख दे, तब तक जो है आप उस मंत्र की शक्ति को पहचान नहीं सकते। तो मंत्र को बचाने के लिए जो है, मंत्र की सुरक्षा के लिए एक देवता होता है। देवता जरूरी नहीं है वो देवता हो जिस देवता के लिए मंत्र किया जा रहा है, जिस देवता के लिए मंत्र किया जाता है, हृदय देवता, मंत्र का हृदय का देवता वो कोई और भी हो सकता है। ठीक है, एक रक्षा का देवता होता है जो उस मंत्र की रक्षा करता है। जैसे अगर आपने कभी अरगला पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि अरगला में जो है विष्णु देवता है और जो है महालक्ष्मी शक्ति है। तो जो अरगला स्त्रोत है वो श्री विष्णु के लिए नहीं है, तो वो देवी के लिए, लेकिन उसके जो देवता है, जो रक्षा करने वाले देवता है, वो विष्णु है। ठीक है, तो ये हुए रक्षक देवता। और उसके बाद एक ऋषि होता है, जिस ऋषि को कि वो मंत्र सबसे पहले बताया जाता है, और क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा वो मंत्र हम तक पहुंचा, उस व्यक्ति के द्वारा ये ज्ञान विस्तृत हुआ, वो व्यक्ति वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने भीतर में झांक करके उस मंत्र को, जिसको मैं कैप्सूल ऑफ नॉलेज बोलूंगा, उस कैप्सूल ऑफ नॉलेज को निकाला और आपको दिया। इसलिए आपका फर्ज बनता है कि आप उस ऋषि को प्रणाम करें, ठीक है, आप उस ऋषि को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और उसके बाद उस देवता से प्रार्थना करें कि हे देवता, इस मंत्र को जो है आपने अपने अंदर समाया हुआ है, इस मंत्र को आपने अपने अंदर रखा हुआ है, इस मंत्र की आप रक्षा करते हो, तो इस मंत्र को जो है मेरे सामने खोलो, इस मंत्र का जो है ज्ञान मुझे देवो। तो इस दोनों काम को जो है छंद कहा जाता है, और इसको वेदों का पैर कहा जाता है, क्योंकि वेद को, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक ज्ञान का, एक एक ज्ञान का कैप्सूल है, एक नॉलेज कैप्सूल है, तो उस नॉलेज कैप्सूल तक पहुंचने के लिए पहले आपको इन दो आवरणों को हटाना पड़ता है। तो इन दो आवरणों को हटाना पड़ने के कारण ही इस चीज को पैर कहा गया है, क्योंकि मान लीजिए कि भैया आपको श्री विष्णु के पास जाना है, आपको श्री विष्णु से जो है दोस्ती प्राप्त करनी है, तो अब श्री विष्णु तो भैया देवता है, अब आप उनका जो है आशीर्वाद, जो है उनकी सहानुभूति आप कैसे प्राप्त करोगे? तो उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए जो है आपके उनको लगातार रोज पैर छूने पड़ेंगे। आपको पैर छूना एक इस बात का संकेत है कि भाई आप मान रहे हो कि भैया आप हमसे बड़े हो और हम आपके सामने झुकते हैं, आप कृपा करके हमारे ऊपर जो है
कृपा करो हमारे ऊपर, जो है आपका वरदहस्त बने हमारे ऊपर, आप दयालु हो जाओ। तो क्योंकि आप सबसे पहले उसको अप्रोच कर रहे हो, सबसे पहले आप उसकी तरफ जा रहे हो, और विष्णु भैया बहुत बड़ी चीज़ है, आपके छोटे से हाथों में आने वाली चीज़ नहीं है, वो परमात्मा है और आप छोटी सी आत्मा हो। इसलिए जो है आप पहले इन दो आवरणों की तरफ से होकर के जाते हो, आप पहले इन दो आवरणों को छूते हो जो कि देवता और ऋषि हैं। तो उसके लिए जो है ये छंद वाला जो हिस्सा है इसको जो है पैर कहा गया है, क्योंकि ये जो चीज़ है आवरण को जानना, माने कि देवता को और ऋषि को जानना वेदों की तरफ बढ़ने का पहला कदम है। तो ये एक प्रकार से वेद के पैर छूना भी है कि भैया पैर छूओगे आप पहले देवता और ऋषि को प्रणाम करके तभी आप मंत्र तक पहुंच पाओगे, और एक तरीके से ये पैरों के द्वारा चल के जाना भी है। क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं जानोगे, जब तक आप ये छंद को नहीं जानोगे, ऋषि और देवता को मंत्र के नहीं जानोगे, तब तक जो है आप चल करके उस मंत्र की सच्चाई तक पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए जो है छंद को जो है पैर का स्थान दिया गया है। उसके बाद आती है व्याकरण की। व्याकरण को चेहरे का स्थान दिया गया है, और व्याकरण तो आप जानते ही हो कि व्याकरण क्या होता है, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली भैया अब मंत्र में जो ज्ञान दिया हुआ है वो ज्ञान किस प्रकार का है? अब भाई पढ़ती पढ़ता पठंती जो चीज है उसमें पढ़ चुका है, पढ़ रहा है या पढ़ेगा, इसका ज्ञान आपको कैसे होगा? अब जैसे मान लीजिए भैया एक शब्द है कि वो जा रहा है, वो दूसरा शब्द है वो जा रहा था, और एक है वो चला गया। अब अगर आपको ये ना पता हो कि घटना भूतकाल में घट रही है, वर्तमान काल में घट रही है, भविष्य काल में घट रही है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी चीज को पहचानने में। तो जो व्याकरण है वो व्याकरण आपको ये समझने के काबिल करता है कि आप ये समझ सको कि भैया घटना जो है वो भूतकाल की है, वर्तमान काल की है या भविष्य काल की है। और इसको जानना जो है ज्ञान को समझने का, ज्ञान को पाने का एक अहम अंग है। इसके लिए जो है इसको जो है चेहरे की संज्ञा दी गई है, क्योंकि चेहरा वो चीज है जिससे आप देख पाते हो, ठीक है। तो बेसिकली आमतौर पे कहा जाए तो छंद के द्वारा आप उस मंत्र तक तो पहुंचे, लेकिन उस मंत्र का आपको अपने भीतर साक्षात्कार करना है, और साक्षात्कार करने के लिए उसके अर्थ को जानना बड़ा आवश्यक है, और अर्थ को जानोगे आप व्याकरण से। इसलिए व्याकरण को जो है चेहरे की संज्ञा दी गई है, क्योंकि अगर आप किसी से मिलते हो तो आपको शायद ये नहीं याद रहेगा कि उसका हाथ कितना लंबा था, आप उसका हाथ को तो नापोगे नहीं, आपको ये नहीं मालूम होगा उसका पैर कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन आपको उसका चेहरा याद रहेगा उस व्यक्ति का, ताकि अगली बार आप उसको पहचान सको। तो आमतौर पर जो होता है व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का चेहरा याद रखता है, इसके लिए जो है व्याकरण को चेहरे की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसके द्वारा आप ज्ञान को जो है अगले स्तर पे समझते हो कि भैया ज्ञान जो है वो भूतकाल का है, वर्तमान काल का है, भविष्य काल का है। मतलब आम भाषा में अगर कहें तो मंत्र कहना क्या चाहता है ये आप समझ पाते हो व्याकरण के द्वारा, इसलिए इसको चेहरे की संज्ञा दी गई है। उसके बाद बात आती है कल्प की। तो जो कल्प है वो कल्प विज्ञान बताता है कि भैया जो यज्ञ करोगे तो यज्ञ में किन तरीकों का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जो पहले तो सबसे पहले आप यज्ञ और हवन के बीच में जो फर्क समझें। हवन इंसान की अपनी खुशी के लिए, अपनी कामना के लिए किया जाता है, जैसे पुत्र कामिष्ठि के लिए हुआ आपका हवन हो गया, ठीक है। आपको पुत्र चाहिए तो आप उसके लिए हवन करोगे, विद्या चाहिए तो आप उसके लिए हवन करोगे, ज्ञान चाहिए तो आप उसके लिए हवन करोगे। तो जो अपने फायदे के लिए किया गया है वो हवन है, जो दुनिया के फायदे के लिए किया गया है, दुनिया के भले के लिए किया गया है, उसको यज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो जो है कल्प जो कि आपको इस चीज का ज्ञान देता है कि यज्ञ कैसे किया जाए, उसको हाथ की संज्ञा दी गई है। क्योंकि देखिए हाथ का काम अगर आप विष्णु की तरफ, अगर आप वेद पुरुष की तरफ जाकर के देखो तो हाथ का काम है अपने ज्ञान को सर्व ओर फैलाना। तो देखिए आपको मंत्र का ज्ञान हो गया, आपको मंत्र का साक्षात्कार हो गया, अब आप उस ज्ञान को और लोगों में बांटना चाहते हो, उस ज्ञान को और लोगों में फैलाना चाहते हो, और उसको आप करोगे भाई यज्ञ के द्वारा। अभी यज्ञ में क्या होता है, अग्नि जलाई जाती है, देवता को साक्षी बुलाया जाता है, उसके सामने मंत्र का उच्चारण होता है। तो उसमें क्या है, अब यज्ञ में बैठे हुए हर व्यक्ति को मंत्र का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, जो यज्ञ करवा रहा है और जो यज्ञ कर रहा है वो दो व्यक्ति मंत्र का उच्चारण करेंगे और बाकी सब लोग उसको सुनेंगे। तो एक प्रकार से क्या हुआ, ये एक प्रकार से उन आम लोगों को जो वहां पर बैठे यज्ञ को सुन रहे हैं, उनको यज्ञ करने वाले को और यज्ञ करवाने वाले को जिस ज्ञान का आभास हो चुका है उसको उन लोगों को विस्तृत कर देना है जो श्रोतागण यज्ञ के बारे में सुन रहे हैं, या जो श्रोता लोग यज्ञ को देख रहे हैं उसके अंदर होती मंत्राहुति को, उस मंत्राहुति में जाते हुए ज्ञान को जो है सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उस चीज को करना ही यज्ञ है। तो यज्ञ एक तरीके से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर वो लोग जो मंत्र को नहीं जानते वो लोग आते हैं और बैठते हैं और उन लोगों को सुनते हैं जो उस मंत्र को जान चुके हैं। तो एक प्रकार से ये मंत्र के ज्ञान को, मंत्र की रोशनी को विस्तृत कर देना है, और क्योंकि विस्तृत कर देना हाथ का काम है इसलिए कल्प को हाथ की संज्ञा दी गई है। अगली बात आती है ज्योतिष की। ज्योतिष को आंखों की संज्ञा दी गई है। आंखों की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि देखिए ज्योतिष जो है समय का विज्ञान है। अगर आप वेदांग ज्योतिष की बात करें, अगर आप वेदों में जाकर के ज्योतिष को देखें, अगर आप वेदों पुराणों उपनिषदों में ज्योतिष को ढूंढें तो वहां पर जो है ज्योतिष के सिर्फ मुहूर्त पक्ष की चर्चा की गई है, वहां पर फलित ज्योतिष की कोई खास चर्चा नहीं है, सिर्फ मुहूर्त पक्ष की चर्चा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप
वेदों के मोटिव को देखें। देखिए वेदों का मंतव्य है कि व्यक्ति पहले ज्ञान को साक्षात्कार करे, ज्ञान को आत्मीभूत करे, उसके बाद वो ज्ञान जो है और लोगों में बांट दे, यही वेदों का काम है। और उसको करने के लिए सिर्फ मुहूर्त की आवश्यकता है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। देखिए अब जैसे मान लीजिए कि आपको जो है आग जलानी है बाहर, आपको अपने छत पे आग जलानी है और उस आग में भुट्टे सेंकने हैं, तब उसके लिए आपको ये जानना आवश्यक है ना भाई कि बारिश तो नहीं होगी, क्योंकि अगर बारिश होगी तो भाई छत पे आग जलाना फिर अच्छा विचार तो है नहीं, फिर घर के अंदर आग जलाइए, और घर के अंदर आग जलाने में फिर भैया बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, छत पे आग जैसे जलेगी वैसे आप घर में जला नहीं सकते। तो इस चीज़ का ज्ञान होना कि कब किस चीज़ को करने से कितना अच्छा फल होगा, जैसे कि मान लीजिए बहुत जानवर होते हैं उनको मालूम होता है भैया कि आने वाले समय में जो है बहुत सर्दी बरसा पड़ने वाली है, बहुत बर्फ पड़ेगी, तो वो पहले से ही जो है अपना खाना लेकर के बिलों में घुस जाते हैं। तो एक प्रकार से जो है समय का ज्ञान होना कि आगे क्या होने वाला है, या किसी चीज को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, लकड़ी काटने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, फल लेने का सबसे अच्छा समय कौन है, ये समय जो है आपको आपके जो मेहनत को है कई गुना बढ़ा देता है, आपके जो है फल को बढ़ा देता है। अगर आप सही समय में मंत्र करोगे तो भैया मंत्र का फल कई गुना होगा, और आम समय में करोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा उसको प्राप्त करने में। जैसे कहा जाता है भाई कि ग्रहण के समय जो मंत्र का जाप करेगा उसको जो है भैया लाख गुना फल मिलेगा या हजार गुना फल मिलेगा। तो ये जो है आम भाषा में ऐसा कहें कि आपको जो है समय की महत्ता है, उस समय की महत्ता को देख पाना ही जो है रिजल्ट को देख पाने की जो है कह सकते हो आप उसको कि आगे क्या होगा, क्या परिवर्तन आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये ज्ञान लोगों को विस्तृत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कब विस्तृत करूँ? अब भैया यज्ञ जो है ज्यादातर क्या है, सुबह सवेरे किए जाते हैं, सुबह सवेरे यज्ञों को करने की प्रथा है भैया, रात में सोते समय शाम को जो है यज्ञ नहीं किए जाते। तो इसके पीछे वजह यह है भाई कि इंसान जब सो के उठा हुआ है, नया नया एकदम फ्रेश माइंडेड है, एकदम पूरा सुबह सवेरे, उस समय अगर मैं उसको कुछ ज्ञान दूंगा तो उसको याद रहेगा। अब दिन भर का थका मांदा आदमी शाम को बैठा रहेगा, उसमें उसको ज्ञान की मैं बात करूंगा तो उसको तो नींद आएगी भैया, उबासियां लेगा, वो ज्ञान कहां सुनेगा मेरा, ठीक है। तो इसके लिए इस ज्ञान का होना कि किस समय पे किस चीज को करने से क्या अच्छा होगा जो है इंसान को दूरदृष्टि देता है। इसलिए जो है ज्योतिष को जो है आंखों की संज्ञा दी गई है। ये आंखों की संज्ञा ज्योतिष को देना ये जो है हर प्रकार के ज्योतिष पे लागू होता है भैया। आम इंसान के जीवन में भी अगर आप ये जान सकते हो कि आगे मेरे जीवन में क्या होगा या आगे किसी और के जीवन में क्या होगा, तो आपको उसके हिसाब से आप उसको अच्छी सलाह दे सकते हो। तो एक प्रकार से जो है ये समय में झांक करके देख पाने की क्षमता है, इसलिए इसको वेदों का नेत्र कहा गया है, ठीक है। अगली बात आती है शिक्षा की। तो शिक्षा जो है वो शब्दों के उच्चारण पे निर्भर करता है। शिक्षा मतलब शब्दों के उच्चारण की शिक्षा। जैसे आपको मालूम होगा कि भाई गायत्री मंत्र जो है वो गायत्री छंद में है, वैसे ही बहुत प्रकार के छंद होते हैं, गायत्री छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है, और बहुत सारे छंद होते हैं। तो अब भैया किस मंत्र को किस प्रकार से पढ़ना है, किस मंत्र को किस प्रकार से बोलना है, ये शिक्षा के अंदर आता है। और इसको जो है नाक की संज्ञा दी गई है, इसलिए क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि भाई एक तोतला व्यक्ति भी बात करता है और एक साफ भाषा में बोलने वाला व्यक्ति भी बात करता है, लेकिन तोतला व्यक्ति जब बात करता है तो आप उसकी बात को ठीक से नहीं समझ पाते, क्योंकि भैया वो सही लय में सही छंद में नहीं है। और जब आम व्यक्ति बात करता है तो आप उसकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाते हो, क्योंकि वो बेहतर छंद में है, बेहतर लय में है। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही भाषण देने का होता है, तो वो शब्दों को बहुत अच्छे तरीके से बहुत रचे सजे ढंग से रख पाते हैं, ताकि वो आपके दिमाग में जो है बेहतर तरीके से बैठ पाता है, आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हो। सही जगह पे कॉमा फुल स्टॉप उदाहरण के द्वारा जो है चीज को समझाया जाता है। तो इस चीज का ज्ञान की चीज को कैसे बोलना है ही शिक्षा, इस चीज का ज्ञान की चीज को कैसे बोलना है यही ज्ञान जो है शिक्षा के भीतर आता है। और इसको नाक की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि देखिए नाक का काम होता है सांस लेना, ये बड़ा जरूरी काम है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं मालूम कि भैया मंत्र को कैसे पढ़ा जाए, तो भैया जो है आप उसके ज्ञान को कैसे रियलाइज कर पाओगे? आप मेरी बात का यकीन मानिए, मंत्र किसी बाहर के देवता को नहीं जा रहा है, बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है। मंत्र जो है आपके अंदर की आत्मा को आता है, और आपकी आत्मा अंदर के अपने बल से जो है चीज को बाहर प्रकट करती है। अब अगर आप मंत्र को एक अस्पष्ट भाषा में बोलोगे कि आपकी आत्मा उसको समझ ना पाए, तो आप बेसिक उसको जीवन भर रटते रहो, आप उस मंत्र का जो है रियलाइजेशन जो है उस मंत्र का साक्षात्कार जो है आत्मा को नहीं, उसके और वो चीज फलीभूत नहीं होगी। तो इसलिए जो है शिक्षा को जो है नाक का दर्जा दिया गया है कि भैया नाक के देखिए दो काम है, एक तो बड़ा जरूरी काम है श्वास लेने का। तो अगर आपका उच्चारण ठीक नहीं होगा मंत्र का, आपका स्वयं का उच्चारण ठीक नहीं होगा, तो आपकी आत्मा कभी साक्षात्कार नहीं कर पाएगी, जी नहीं पाएगी। वो चीज जो चीज की आप करना चाह रहे हैं मंत्र के साथ, वो कभी घटित नहीं हो सकेगी। दूसरी बात है नाक का काम है सांस लेना, सुगंध लेना, जो कि एक प्रकार से खूबसूरती का प्रतीक है, विलासिता का प्रतीक है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि अब मान लीजिए भैया कि आप यज्ञ कर रहे हो, और आपने यज्ञ में चार लोगों को बिठाया हुआ है, जिसका दार्शनिक पहलू ये है कि भैया आपको एक ज्ञान का उदय हो चुका है और आप वो ज्ञान बहुत लोगों में बांटना चाहते हो, लेकिन अगर आप स्पष्ट तौर पे नहीं बांट रहे तो उस ज्ञान का जो सुगंध है, उस ज्ञान का सुगंध जो है आम व्यक्ति ले नहीं सकेगा। इसके लिए जो है शिक्षा को नाक की संज्ञा दी गई है। उसके बाद आता है निरुक्त।
निरुक्त का मतलब है भैया वैदिक शब्दों के खास मतलब। अब जैसे एक शब्द है श्वान, अब श्वान का मतलब हंस भी होता है, श्वान का मतलब कुत्ता भी होता है। तो अब अगर श्वान शब्द लिखा गया है तो कहां पर श्वान का मतलब हंस है और कहां श्वान का मतलब कुत्ता है, ये बड़ा मुसीबत वाली बात है। अब जिस समय श्वान का मतलब हंस होता था उस समय कुत्ते के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था कुक्कुटा, लेकिन फिर जब श्वान का मतलब कुत्ता हो गया तो उस समय कुक्कुटा शब्द जो है वो इस्तेमाल होने लगा मुर्गे के लिए। तो अब बात है कि भैया वैदिक ज्ञान कब लिखा गया है उसको उसी परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। अगर आप कभी ऋग्वेद को पढ़ेंगे और आपको संस्कृत का थोड़ा मोटा ज्ञान है तो आपको ये पता चलेगा कि ऋग्वेद में शब्दों के जो अर्थ दिए गए हैं ये वो अर्थ नहीं है जो अर्थ बाद के समय में शब्द कल्पद्रुम में या ऐसी अन्य पुस्तकों में लिखे गए हैं, ठीक है, पाणिनि व्याकरण में लिखे गए हैं। तो इस चीज का ज्ञान कि किस शब्द का किस परिप्रेक्ष्य में क्या मतलब है ये निरुक्त के अंदर आता है। और इसको कानों की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि देखिए कानों का काम है सुनना और सुनने के बाद ही आप चीज को समझ पाते हो। अगर वैदिक ज्ञान के विस्तारित करने की बात करें तो उसमें कान सबसे जरूरी अंग है, ठीक है। तो मंत्र जो है मंत्र को आपने पढ़ तो लिया लेकिन उसको समझना बड़ा आवश्यक है क्योंकि आप समझोगे तभी आत्मा उसका साक्षात्कार कर पाएगी। और उसके लिए जो है आपको निरुक्त का ज्ञान होना माने इस बात का ज्ञान होना कि किस शब्द का क्या मतलब है ये होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो है निरुक्त को जो है कानों की संज्ञा दी गई है, ठीक है जी। तो ये हुआ इस पूरे की व्याख्या। और अब इसके अंदर एक ज्योतिषी पहलू है जो कि वैसे तो मेरा बताने का मन नहीं है लेकिन क्योंकि आप लोग नए नए बच्चे हैं तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि शुभम कोई भी बात फालतू में नहीं डालता है तो इतना लंबा समझाने के पीछे ये मतलब था कि अब जैसे आप ज्योतिष को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भैया कि आंखों के जो कारक होते हैं वो सूर्य चंद्रमा होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए भैया कि ज्योतिष की कुंडली में सूर्य चंद्रमा का ताकतवर होना बड़ा आवश्यक है। अगर सूर्य चंद्रमा ताकतवर नहीं तो आदमी को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान नहीं। या सूर्य चंद्रमा मतलब ऐसा बोलो कि भैया ज्योतिष की कुंडली को सूर्य चंद्रमा की कुंडली से देखना अच्छा है, या फिर बोले तो ज्योतिष का कारक जो है सूर्य चंद्रमा हुआ, ठीक है। उस या फिर जिनकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छा है या सूर्य चंद्रमा के अच्छे फल हैं वो व्यक्ति भैया ज्योतिष में अच्छा कर सकता है। पैरों का जो कारक है भैया शनि हो गया, तो किसी की कुंडली में भैया अगर शनि ज्यादा अच्छा है तो वो छंद विज्ञान में अच्छा कर सकेगा। चेहरे का जो कारक है चेहरे का कारक भैया शुक्र होता है, तो अगर किसी कुंडली में शुक्र अच्छा है तो उसको व्याकरण का अच्छा ज्ञान होगा। हाथों का जो कारक होता है भैया आपके हाथों का कारक जो है आपका बुध होता है, तो जिनकी कुंडली में भैया बुध अच्छा है उनको कल्प का बेहतर ज्ञान हो सकता है। शिक्षा का जो कारक है भैया शिक्षा जो कि नाक होती है, तो भैया नाक का जो कारक है वो गुरु होता है, तो भैया जिनकी कुंडली में गुरु अच्छा है उनको शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो सकता है। निरुक्त जो कि कान है भैया कान का कारक जो है एक प्रकार से बुध भी होता है, ठीक है, और दूसरे प्रकार से जो है आपके कान के कारक और भी ग्रह होते हैं डिपेंडिंग ऑन द कैसी स्थिति सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो कान के बहुत कारक होते हैं। तो अब अगर कान का कारक अगर ठीक है तो आप ये कह सकते हो भैया कि आदमी का जो है निरुक्त में जो है अच्छा ज्ञान होगा। अब इसमें आप ऐसा भी समझ सकते हो जैसे मान लीजिए भैया कि ज्योतिष जो है भैया आंखों का आंखों को दर्शाता है, और आंखों को देखने के लिए भैया द्वितीय भाव और द्वादश भाव देखने बड़े आवश्यक हैं, और आंखों के जो कारक है सूर्य चंद्रमा वो भैया चतुर्थ और पंचम भाव को जो है काल पुरुष की कुंडली में जो है उसका स्वामित्व रखते हैं। तो भैया ज्योतिष की कुंडली में द्वितीय और द्वादश भाव का चतुर्थ और पंचम भाव से कोई संबंध बनना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। तो ये जो है ज्ञान है ये ज्ञान हमने आपको दिया है बड़े ही गुप्त तरीके से, और इस गुप्त तरीके को भैया मुखर तरीके में कैसे इस्तेमाल करना है आपकी बुद्धि और विवेक शक्ति पर निर्भर करता है। एक का उदाहरण तो हमने दे दिया है, बाकी जो आपको अपनी बुद्धि के हिसाब से इस्तेमाल करना है इसके लिए हमने बोल दिया है भैया पहले ही कि आप जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ उसको लिखते चलो, नोट्स बना के चलो, क्योंकि क्या है ना कि जो बात मैं आपको अभी बोल रहा हूँ आपको अभी समझ में नहीं आएगी, जब आप कोर्स को पूरा पढ़ लोगे और उसके बाद अगर भगवान ने चाहा आप मेरे आगे के भी दो तीन कोर्स में रहोगे और जब आपके पास ज्योतिष का अच्छा खासा ज्ञान हो जाएगा, आप जब मेरे पांच छह कोर्स को ले लोगे तो आपको पता चलेगा कि यही मूलभूत बातें जो मैंने सबसे पहले बताई थी इसी मूलभूत बातों को आगे जाकर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जिस चीज को आप कहते हो भाई रिसर्च का टेक्निक है या एडवांस टेक्निक है, ये एडवांस टेक्निक होता कुछ नहीं है, ये इन छोटी छोटी टेक्निकों से निकला हुआ होता है। तो इन छोटी छोटी टेक्निकों को जो है समझना बड़ा आवश्यक है। अब आगे जो है आखिरी पॉइंट जो है वो बात करता है ज्योतिष की भैया की, ज्योतिष के जो है तीन अंग माने गए हैं सिद्धांत संहिता और होरा। बाद में जो है ज्योतिष के पांच अंग माने जाने लगे सिद्धांत संहिता और होरा में जो है प्रश्न और जो है निमित्त को भी जोड़ दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें सिद्धांत जो है सिद्धांत दो हिस्सों में बटा हुआ है, पहला है गणित और दूसरा है गोल। अब गोल का मतलब होता है भैया आसमानी गतिविधियां, जैसे आपको मालूम है भैया कि सूर्य और बुध एक निश्चित दूरी से ज्यादा दूर नहीं हो सकते, या सूर्य और शुक्र जो है एक निश्चित दूरी से दूर नहीं हो सकते। तो ये ज्ञान कि भैया सूर्य से इतने से ज्यादा डिग्री बुध दूर नहीं हो सकता, और सूर्य से इतने से ज्यादा डिग्री जो है शुक्र दूर नहीं हो सकता, और भैया चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, और जो है भैया जो मंगल है वो सूर्य की परिक्रमा इतने दिनों में करता है और शनि इतने दिनों में करता है, इस चीज का जो ज्ञान है ये गोल का ज्ञान कहलाता है, ठीक है। दूसरा है गणित का ज्ञान।
अब गणित यह है भैया कि अब मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति का लग्न निकालना है, तो लग्न कैसे निकाला जाएगा, ग्रह स्पष्ट कैसे किया जाएगा, इसका ज्ञान गणित का ज्ञान होता है। ठीक है, तो ये गणित और गोल दो हिस्से हुए सिद्धांत के। दूसरा होता है संहिता। अब संहिता का, संहिता डील करता है आपके मुंडेन चीजों से। संहिता डील, संहिता उन चीजों के बारे में जानकारी देता है जिन चीजों का प्रत्यक्ष तौर पे आपके ऊपर प्रभाव नहीं है, बट परोक्ष तौर पे आपके ऊपर प्रभाव है। जैसे मान लीजिए भैया कि आप रहते हैं भारत में, अब भारत में केरल में बाढ़ आ गई, तो केरल में बाढ़ आने की वजह से बड़ी विस्थापना हुई। अब विस्थापना होने के चक्कर में जो है भैया, अब वहां पर सरकार का तो फर्ज बनता है कि वहां पर जो है वो जो जिन चीजों का नुकसान हुआ है उन चीजों के नुकसान की भरपाई करे। अब वो भरपाई करने के चक्कर में भैया सरकारी कोष से पैसा जाएगा। अब सरकारी कोष से पैसा जाएगा तो सरकार जो है भैया टैक्स वैक्स बढ़ाएगी। तो अब बेसिकली क्या होगा कि आप अब रहते तो आप केरल में नहीं है भैया, रहते तो आप दिल्ली में है, जयपुर में है, बिहार में है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी तो आपके ऊपर भी प्रत्यक्ष रूप में फल तो पड़ेगा। तो ये प्रत्यक्ष रूप से फल को जो देखना होता है ये संहिता होता है। तो संहिता के दो तरीके हुए। संहिता में अगर एक तो आप अगर संहिता ज्योतिषी, आपको ये जानना भैया दुनिया में कब कहाँ क्या होगा, तब तो आपका पूरा काम संहिता से ही है। नहीं तो अगर आप संहिता ज्योतिषी नहीं भी है फिर भी संहिता का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको संहिता का ज्ञान नहीं होगा तो परोक्ष रूप में क्या होने वाला है वो पता नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए भैया कि अगर अगर आसमान में उल्कापात होना आप जैसे होता है, तो उल्कापात जो है वैसे तो संहिता का विषय है, लेकिन ज्योतिष में कहा जाता है भैया उल्कापात के समय पैदा हुआ बच्चा बड़ा दुर्भाग्यशाली होता है। बहुत सारी आप ऐसी कुंडलियां देखोगे जहां पर वो कोई दोष नजर नहीं आएगा, आप बोलोगे भैया बड़े अच्छे राजयोग हैं, बहुत अच्छा है इसकी कुंडली में, तो लेकिन भैया इसको तो जिंदगी में तरक्की नहीं मिल पा रही, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर जब आप उसको संहिता के अंदर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा भैया ये सब पैदा हुआ जब उल्कापात हो रहा था, केतु उदय हो रहा था। तो ये सब जो चीजें हैं ये परोक्ष रूप से प्रभाव रखती हैं भैया, प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं रखती, वो सब संहिता के अंदर आती है। और संहिता के अंदर जो है दो चीजें हैं, एक तो है भैया ग्रह गोचर और दूसरा है शकुन। तो पहले मैं शकुन या निमित्त की बात कर लूं। ये है भैया जैसे उल्कापिंड का उदय होना, भैया उल्कापिंड रोज उदय नहीं होते, उल्कापिंड कब उदय होगा इसके बारे में भी भैया कोई निश्चित चीज नहीं है, कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। जैसे भैया सूर्य का तो चलो पैटर्न है भैया कि सूर्य जो है साल भर में धरती की परिक्रमा कर लेता है, ठीक है ज्योतिष की भाषा में, और धरती सूर्य की परिक्रमा कर लेता है भैया विज्ञान की भाषा में। तो इसका एक पैटर्न है भैया कि साल भर में तो सूर्य ये काम कर ही लेगा, लेकिन जो आसमानी जो शकुन होते हैं जैसे भैया कब उल्का गिरेगी और कब क्या गिरेगा, इसका भैया कोई पैटर्न नहीं होता फिक्स, ये जरूरी नहीं इतने ही समय पे हो, तो उसको जो है शकुन का नाम दिया जाता है। अब जैसे कि भैया कुंडली देखते वक्त अब मान लीजिए शकुन का कुंडली में भी बड़ा उपयोग है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आपसे पूछा भैया मुझे संतान होगी कि नहीं होगी, और उसमें आपने देख लिया भैया गीदड़ चिल्ला रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं, तो आप बोलो भैया संतान नहीं होगी। अगर आपको आदमी बोले भैया मेरी तो पत्नी पेट से है, फिर आपने कुत्ते सियार को रोते में आते हुए सुन लिया, तो बोलो भैया गर्भ गिर जाएगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। वही दूसरी तरफ अगर आपने किसी बच्चे के रोने हंसने के बाद सुन ली, कोई बच्चा देख लिया, कोई बच्चा हंसता खेलता हुआ सुन लिया, किसी बच्चे का फोन वोन आ गया, तो भैया बोल सकते भैया बच्चा तो जरूर हो जाएगा। अब बच्चे के लिंग के हिसाब से आप बता सकते भैया कि लड़का होगा कि लड़की होगा। तो ये जो है शकुन, इस शकुन का भैया दोनों जगह पे इस्तेमाल है, संहिता में भी इस्तेमाल है और होरा में भी इस्तेमाल है। संहिता में बड़े तौर पे इस्तेमाल है भैया कि अगर साल में तीन जो है आपको ग्रहण दिख जाए, तो जिस देश में दिखें उस अगर तीन ग्रहण एक ही देश में दिखें तो भैया उस देश के लिए बड़ा बुरा होता है भैया। आप जिस प्रकार की राशि में बन रहा है उस प्रकार की चीजों में बड़ा बुरा होगा। आप जैसे मान लीजिए तीन ग्रहण जो है हो गया ऐसा कि भैया उसमें मेष राशि कहीं ना कहीं जुड़ गई, तो आप बोल सकते हो भैया उस देश में जो है भैया की सैन्य उपद्रव हो जाएगा, देश में लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाएगा। तो ये तो भैया मुहूर्त, ये तो भैया शकुन का वो हिस्सा हो गया जो कि दुनिया को इफेक्ट करता है। और फिर शकुन का दूसरा हिस्सा है जो कि आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी को, आम आदमी कुंडली का इफेक्ट करता है। उसका उदाहरण मैं पहले दे चुका हूँ बच्चा वाली बात में कि भैया अगर कोई बच्चे का प्रश्न लेकर गया और ऐसे ऐसे शकुन हो जाए आसपास तो क्या होगा। तो शकुन तो वो चीज हो गई जो कि घटित हो सकती है, लेकिन उसके घटित होने का कोई जो है निश्चित नियम नहीं होता कि घटित होगी होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेकिन शकुनों को देखना बड़ा आवश्यक है। कभी भी आप कुंडली को देखें तो शकुनों को जो है इग्नोर ना करें, शकुनों के ऊपर खास ध्यान देवें। हमेशा आपके आसपास कुछ ना कुछ शकुन घटित हो रहा होता है, आपको आवश्यकता है उस शकुन को देखने की, जानने की, पहचानने की। ये बहुत ही जरूरी हिस्सा है ज्योतिष का और बहुत ही लंबा हिस्सा है। तो कोशिश करेंगे इस पर बाद में कोई कोर्स वोर्स बनाने की, ठीक है। अभी के समय आप इतना ही समझ लें कि भैया जो है इसका शकुन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, और शकुन जो है कुंडली में दिखते हुए अच्छे खासे फल को बर्बाद कर सकता है और घटिया से घटिया फल को अच्छा कर सकता है। तो एक ज्योतिषी को शकुन को लेकर हमेशा सजग रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात आगे भैया ग्रह गोचर की। अब बहुत से लोग जो है ग्रह गोचर को जो है जन्म कुंडली में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा घटना का समय जानने के लिए ग्रह गोचर का इस्तेमाल करें, गोचर में ये ग्रह यहाँ चला गया तो ये घटना हो गई, गुरु ने सप्तम भाव को देखा तो शादी हो गई, शनि ने अष्टम भाव को देखा तो बीवी मर गई। अब भैया लोग तो कहते हैं कि भैया ट्रांजिट जो है, गोचर जो है वो जन्म कुंडली में इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारी जो है सोच इससे भिन्न है।
हमारे हिसाब से ग्रह गोचर जो है वो संहिता का विषय है, ठीक है ना। संहिता में देश की कुंडली में आप बताए आप कौन सी दशा लगा लोगे भाई। अब ज्यादा से ज्यादा आपकी विमशोत्री दशा है 120 साल चलेगी, नक्षत्र दशाओं में तो सबसे लंबी दूसरी कालचक्र दशा हो गई भैया जो 12-13 हजार साल चलेगी। अब जरूरी थोड़ी ना देश 12-13 हजार साल से, मान लो आपने धरती कुंडली बना ली, मिल गई आपको कहीं से भैया धरती कुंडली से पुराण पुराण में मिल गई। अब धरती जरूरी थोड़ी ना 12 हजार साल ही रहेगी भैया, बहुत अरबों खरबों साल रह सकती है। तो आप उसके फल कैसे देखोगे, उसके फल को देखने के लिए गोचर होता है, ठीक है। तो संहिता में जब आपको चीजों को देखना होता है तो गोचर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि भैया देशों की और राष्ट्रों की कुंडलियां नहीं होती, तो आपको गोचर देखना पड़ता है बस कि भैया कैसे गोचर चल रहा है, और उस गोचर के हिसाब से जो है दुनिया के जो है फल होते हैं, और जो फल दुनिया के फल होते हैं, और फिर गोचरों में फिर राशियां बांटी हुई होती हैं, भैया ये राशि इस देश की है और वो राशि उस देश की है, तो उसके हिसाब से भैया इस राशि में ऐसे फल हो रहे हैं तो इस देश में ये होगा या इस हिस्से में ये होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है मेष राशि और जो है सिंह राशि और जो है धनु राशि जो है आपका पूर्व का हिस्सा दिखाती है। अब जैसे अभी के समय की बात करें तो अभी जो है एक आपका ग्रहण हुआ था इसमें क्या कहते हैं मकर राशि में। अब मकर राशि को अगर भैया आप काल पुरुष में देखो तो साउथ की ओर साउथ दर्शाता है कि भैया साउथ डायरेक्शन है इसका जो है, साउथ को क्या कहते हैं दक्षिण, हाँ दक्षिण दिशा को दर्शाता है। उसमें जो है कुछ दिन पहले जो है आपका ये हुआ था ग्रहण हुआ था। तो अब आप देखो तो केरल जो है जो भारत के साउथ की तरफ आता है, उस साउथ वाले एरिया में जो है आपका जो है भैया पानी से जनित समस्या हो गई। अब आप जरा वो उस समय के भैया ग्रहण वाली कुंडली निकाल करके देखें तो आपको पता चलेगा चंद्रमा उसमें बड़ा ही पीड़ित था मेरे ख्याल से, कुछ राहु के साथ शनि की राशि में था, और शनि भी बड़ा तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देखकर बड़ा कुपित किया हुआ था चंद्रमा को, ठीक है। तो भैया उसका ऐसा फल हो गया। तो ये जो ग्रह गोचर है जो कि जो आपका जो है ये आपका जो ग्रहण होता है, ग्रहण जो है मंडेन ज्योतिष में संहिता ज्योतिष में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रहण भी अगर आप एक तरीके से देखें तो जो है गोचर का ही, ग्रह गोचर का ही जो है एक रूप है। तो आमतौर पर जो ग्रह गोचर है वो मूल रूप से जो है संहिता का विषय है। और अगर आप मेरी बात माने, अगर आप मुझे फॉलो करें तो गोचर को जो है जन्म कुंडली में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई चीज काम कर रही है इसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, इस लॉजिक को ना मैं बड़ा स्ट्रांग लॉजिक नहीं मानता। मेरे हिसाब से ज्योतिष में कोई भी नियम बनाने से पहले, जैसे कि पहले हमने बात की कि भैया एक आदमी की कुंडली से दूसरे आदमी की कुंडली नहीं देखनी चाहिए, बड़े भाई की कुंडली से छोटे भाई के जीवन के बारे में नहीं जानना चाहिए। अब अगर आप ज्योतिष के आज के परिप्रेक्ष्य को देखें तो भैया नियम है इसके लिए। केएन राव जी तो हमेशा कहते हैं कि भैया वो आदमी तो ज्योतिष ने जो बड़े भाई की कुंडली से छोटे भाई का भविष्य ना देख सके, बेटे की कुंडली से बाप को ना देख सके, बाप की कुंडली से बेटे को ना देख सके। लेकिन त्रिकालज्ञ की अगर आप परिभाषा समझेंगे तो ऐसा करना अच्छा नहीं, समझी नहीं है। वही बात जो है गोचर पे भी लागू होती है कि भाई बहुत से लोग होते हैं जो गोचर को जन्म कुंडली में घटना का समय निर्धारण करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली तौर पे देखें तो जो है ग्रह गोचर जो है फलित ज्योतिष का विषय नहीं है, जो है संहिता ज्योतिष का विषय है। तो मेरे हिसाब से कोई भी रूल बनाने से पहले, किसी भी रूल को इस्तेमाल करने से पहले, कोई भी चीज पढ़ाने से पहले, आपको सबसे पहले तो ऋषि के द्वारा उस चीज की अनुमति होनी चाहिए, अगर ऋषि उस चीज को कहता है। दूसरी बात, अगर वो चीज आपके लॉजिक से, देखिए आपका लॉजिक जो है कमजोर भी हो सकता है, आपको पूरा ज्ञान नहीं है, ऋषि को पूरा ज्ञान है, इसलिए मैंने पहले बोला कि अगर ऋषि उस बात को कहता है। उसके बाद दूसरी बात है कि भैया अगर आपके लॉजिक में भी वो बात आती है आप तभी जाकर के नियम बनाओ। अब जहां तक गोचर की बात है तो पुस्तक है भैया आपका सरावली में गोचर के बड़े फल दिए गए हैं, लेकिन अगर आप उन गोचर के फलों को ठीक से देखो, इवन ब्रज जातक में भी गोचर के कुछ छुपे छुपे नियम दिए गए हैं भैया कि अगर गुरु चंडाल योग हो और उसके ऊपर से जो है कभी गुरु का गोचर हो जाए तो व्यक्ति की तो मति भ्रष्ट हो जाती है, पैसे का बड़ा नुकसान हो जाता है और ये वो हो जाता है। तो यहाँ पर जो है कि भाई ऋषि की तो अनुमति है, ऋषि तो खुद इस्तेमाल कर रहा है गोचर को जन्म कुंडली में, लेकिन आप ये भी समझो कि भैया ज्योतिष जो है वो मुंडेर का विषय हुआ है ना। ज्योतिष की सॉरी ऋषि ने तो भैया गोचर का इस्तेमाल किया हुआ जन्म कुंडली में, तो ऋषि की तो भैया हमें अनुमति मिल गई, लेकिन आपके लॉजिक से भैया, मेरे लॉजिक से, हमारी समझ से भैया ये जो है गोचर जो है वो जन्म कुंडली का विषय नहीं है, जो है संहिता कुंडली का विषय है। तो इस मामले में मेरी सलाह यही रहेगी कि आप बेशक गोचर को जन्म कुंडली में इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत ही जो है सधे हुए तरीके से इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि ये उसका विषय नहीं है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका संहिता के बारे में भैया। फिर आता है होरा। अब होरा के बारे में वाराहमिहिराचार्य लिखते हैं कि अहोरात्र का मतलब होता है दिन और रात, और अहोरात्र शब्द में पहले अ और आखिरी र का लोप होने से शब्द बचता है होरा, और यही होरा जो है जातक का जीवन जो है डिसाइड करता है। अब बात है भैया इसमें अहोरात्र शब्द क्यों लिया गया, तो अहोरात्र जो है दिन रात की महत्ता यह होती है कि दिन रात में माने 24 घंटे में धरती अपनी दूरी पे घूम जाता है, और धरती का अपनी दूरी पे घूमना ही 12 राशियों को बनाता है, और उन 12 राशियों में से एक लग्न को बनाता है। आपका लग्न इस बात से निर्धारित होता है कि आपके जन्म के समय में जिस जगह पे आप पैदा हुए धरती का वो वाला हिस्सा आसमान के कौन से हिस्से की सीध में था, माने कहां घूम रहा था।
ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं भैया भारत में पैदा हुआ, अब भारत जो है वो पूरब में एक पॉइंट पे आता है, तो अब अगर मैं पूरब के उस पॉइंट से रेखा खींचू सीधी, तो आसमान में कहां पर आती है उस जगह को, हमने क्या नापा हुआ है पहले से भैया कौन सी राशि में पड़ता है, उस राशि में मेरा जो है जन्म मान लिया जाएगा। इसको एक तरीके से आप ये मानिए भैया आसमान को तो आप नाप नहीं सकते, तो आप ये कहिए कि आपने भैया धरती के ऊपर जो है एक फिक्शनल जो है एक सोच के हिसाब से एक राशि का दायरा बना रखा है कि भैया की सूर्य सूर्य जो है उदय, सूर्य अभी मान लीजिए कि मेष राशि में 0 डिग्री पे है, तो भैया सूर्य जो है वो मेष राशि में हुआ, और उसके बाद सूर्य जैसे जैसे घूमता गया, मान लीजिए कि जब आप पैदा हुए उस समय जो है दोपहर का समय था, तो सूर्य जो है 10वें भाव में होगा, तो 10वें भाव में तो भैया मेष राशि आ गई, फिर अब 10वें भाव में मेष राशि आने से पहले भाव में जो है आपकी कर्क राशि आ जाएगी, तो आप बोलोगे व्यक्ति का जन्म जो है कर्क राशि में हुआ है। तो जो लग्न का जो डिसाइडेंस है, लग्न जो आप खोज रहे हो, लग्न जो आप पता कर रहे हो, लग्न जो आप लिख रहे हो, वो आप लिख रहे हो धरती के अपने धुरी पे घूमने के कारण। धरती अपनी धुरी पे एक बार घूम जाती है 24 घंटे में, उस 24 घंटे के समय को अहोरात्र कहा जाता है। इसलिए ज्योतिष के जो है ज्योतिष के उस हिस्से को जो आम इंसान के जीवन से संबंध रखता है, ताल्लुक रखता है, उसको होरा कहा गया है। ठीक है, तो इससे आपको ये बात तो पता चल गई होगी भैया कि अगर आप होरा की बात करो तो उसमें लग्न बड़ा जरूरी है। अब लग्न जरूरी है तो हम आपको यहाँ बड़ी कंट्रोवर्शियल बात बोलेंगे कि कुछ नाड़ी के विद्वान हैं जो लग्न को नहीं मानते, जो लग्न की सार्थकता नहीं मानते, उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है भैया कि आप अहोरात्र शब्द को देखें, ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें, और जब आप इसको समझेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हर वो सिस्टम जो सिस्टम की लग्न को इग्नोर कर देता है, जो सिस्टम की लग्न को नहीं मानता, जैसे नाड़ी ज्योतिष सो कॉल्ड, वो जो है भैया होरा का हिस्सा नहीं हो सकता, और क्योंकि वो होरा का हिस्सा नहीं है मंडेन और क्योंकि वो होरा का हिस्सा है नहीं, और संहिता और गणित के विषयों से वो सारोकार रखता नहीं, इसलिए हमारे हिसाब से भैया फिर वो चीज़ बड़ी इलॉजिकल है, और उस चीज़ के पीछे पागल होना, उस चीज़ को सीखने की कोशिश करना जो है बुद्धि को बर्बाद और बुद्धि को भ्रष्ट करने की बात है, और कुछ है नहीं। ठीक है, अगर आपको नाड़ी ज्योतिष सीखनी है तो जरूर सीखिए, लेकिन उस नाड़ी ज्योतिष को होरा बनाने के लिए लग्न की जो महत्ता है, उस लग्न की महत्ता को आपको भी भूले नहीं। ठीक है, तो ये तो रही भैया होरा शब्द की व्याख्या। होरा के अंदर जो है भैया चार अंग लिखे हमने, यहाँ पे सबसे पहले आता है जातक। जातक मतलब आम इंसान की जिंदगी से संबंधित फल। जातक माने व्यक्ति की जन्म कुंडली बना के उसका भूत भविष्य वर्तमान देखना। फिर आता है प्रश्न। प्रश्न के बारे में आप लोगों को मालूम ही होगा कि भैया कभी कभी क्या होता है कि या तो प्रश्नों के उत्तर मिल नहीं सकते कुंडली के द्वारा, देखिए प्रश्नों के उत्तर तो कुंडली के द्वारा हमेशा ही मिल सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनको जो है ढूंढना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। ठीक है, तो और कभी कभी व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली पता नहीं रहती, तो उस स्थिति में जो है प्रश्न एक उपाय है उन लोगों के लिए जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, और एक शॉर्टकट है उन ज्योतिषियों के लिए जो कि जो है माइन्यूट सवाल पे, छोटे मोटे सवाल पे ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सवाल पूछ लिया कि भैया कल मेरा एग्जाम है, बताओ हमारे कैसे नंबर आएंगे। अब जन्म कुंडली से भी बहुत अच्छा तरीका है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, प्रांतदशा, सूक्ष्मदशा, पांचों स्तर पर नीचे उतर करके जो है सूक्ष्मदशा के स्वामी को देखें कि भैया पेपर वाले दिन पे वो जो है वो कहाँ पर है, कौन सी राशि में है, पंचम भाव से पंचम से अच्छे संबंध बना रहा है, बुरे संबंध बना रहा है, उसके हिसाब से आप इस बात को बोलते हैं भैया कि आपका जो है परीक्षा कैसा जाएगा। लेकिन अब उसमें क्या है, बड़ा मुश्किल का काम है, 5 स्तर पे दशा निकालो, फिर दशा को देखो, फिर ये कम से कम आपका कुछ नहीं तो 45-40 मिनट लेगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रश्न बना लेता है, चलो भैया प्रश्न बना लो, इसका परीक्षा कैसा जाएगा, उसमें पंचम भाव पंचमी से देख लो, सीधा सीधा बोल दो कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा। तो ये तो रहेगा भैया शॉर्टकट की बात। फिर वो लोग होते हैं जिनको अपनी जन्म कुंडली का मालूम नहीं होता, तो उसके लिए विधान है भैया नष्ट जातक का, कि जिस व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम हो वो ज्योतिष के पास आए और उससे प्रश्न करे, बताओ कि भैया हमारी जन्म कुंडली क्या है, तो वो व्यक्ति जो है फिर नष्ट जातक के नियमों को इस्तेमाल करके प्रश्न की सहायता से व्यक्ति की जन्म कुंडली को बना सकता है। तो ये तो हुआ प्रश्न विज्ञान। फिर तीसरा होता है शगुन विज्ञान, जिसके बारे में हम अभी बच्चे वाले एग्जाम्पल के साथ बात कर चुके हैं। चौथा होता है मुहूर्त। अब मुहूर्त के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं वैदिक रीति रिवाजों में कि भैया किस काम को कब किया जाए तो उसके अच्छे फल होंगे, क्योंकि देखिए समय का तो हमेशा ही प्रभाव है। इवन यहाँ तक कि विष्णु जी भी कहते हैं भैया कि सही समय आने पे अवतार लूंगा, तो वो सही समय कब आएगा, सही समय कौन सा होगा, कौन सा सही समय चुनना चाहिए, इसको जानना ही जो है मुहूर्त है, और ये मुहूर्त भी जो है होरा का हिस्सा है। इसी के साथ ये थोड़ा लंबा हो गया है, इसी के साथ चलते हैं अगली स्लाइड्स पे, जिसको कि मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कवर करने की। इसके बाद पराशर ऋषि प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, सरस्वती से, सूर्य से, और कहते हैं कि भाई मैं ज्योतिष का ज्ञान दे रहा हूं जैसा मैंने ब्रह्मा के मुख से सुना। तो इसमें सबसे पहले तो परमेश्वर को आप ये समझ लें कि बहुत लोगों ने पराशर ऋषि के ऊपर इस बात का इल्जाम लगाया है कि भैया पराशर ऋषि वैष्णव है इसलिए उन्होंने विष्णु की अधिक बात की है और वो शैव नहीं है।
तो इस बारे में मैं एक बात ही कहना चाहूंगा केवल कि भाई जब आप ऋषि के स्तर पे उठे हुए होते हैं तो आपके लिए विष्णु और शिव में कोई भेद नहीं रहता, इसलिए इस बात को लेकर के भैया पराशर जी को यह कहना कि उन्होंने विष्णु पुराण भी लिखी और वो विष्णु का ज्यादा जिक्र करते हैं तो वो वैष्णव है और वो स्मार्ट नहीं है और वो ये नहीं है और वो नहीं है, इस बात को कहना जो है बहुत ही गलत बात है। परमात्मा से प्रार्थना करने का यहाँ यह मतलब है कि भाई ज्योतिष का जो ज्ञान है वो आत्मसात करने वाला ज्ञान है, ये अपने भीतर रखने वाला ज्ञान है, क्योंकि जैसा वाराहमिहिर कहते हैं कि ज्योतिष का ज्ञान इंसान को मोक्ष की ओर ले जाता है। जिनको ज्योतिष का ज्ञान होता है उनको भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर कभी पकड़ नहीं सकते, उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते अगर ज्योतिष का ठीक से ज्ञान हो तो, ठीक है ना। जिनको आधा दूरा कचरा वो लाल किताब वाल किताब वाला ज्ञान होता है उनको तो भैया पता नहीं कौन पकड़ लेता है, मेरे हिसाब से भूत पकड़ ही ले तो अच्छा ही है, ठीक है, कम से कम कुछ तो दुनिया का भला हो, ठीक है। तो भाई परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं इसमें ये बात महत्वपूर्ण है कि भाई ज्योतिष जो है आपके अंदर से आने वाली विद्या है, भगवान जो है अलग नहीं है किसी से, तो देवी देवताओं के बीच में फर्क ना ही करें। लेकिन हाँ भाई एक बात है कि भाई भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, और जैसे सरकारी ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग चीजों को देखता है, वैसे भगवान के अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग कामों को देखते हैं, तो जिस प्रकार की चीज चाहिए उस प्रकार के भगवान को पकड़ना चाहिए। लेकिन मूल तौर पर यह बात समझनी चाहिए कि भगवान जो है वो परमेश्वर है और उसके अंदर जो है कोई भी जो है भिन्नता नहीं है। दूसरी प्रार्थना वो सरस्वती से करते हैं, सरस्वती ज्ञान और विद्या की देवी है इसलिए उनसे प्रार्थना की जाती है, और ये बहुत सलाह दी जाती है कि जो भी ज्योतिष है वो ज्योतिष सरस्वती माता की पूजा करे, और कुछ ना हो तो मेधा सूक्तम तो कम से कम पढ़े ही पढ़े, जो उसकी बुद्धि को जो है प्रखर बनाएगा और उसको बुद्धिमान बनाएगा और ज्योतिष में जो रिसर्च करने की शक्ति देगा। तीसरा भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सूर्य को जैसा कि साक्षात नारायण कहा जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान को आप देख सकते हो, और अगर आपने कभी आदित्य हृदय पढ़ा हो तो आदित्य हृदय में जो है सूर्य को जो है देवताओं का राजा कहा गया है, सारे ग्रह जो है रोशनी सूर्य से ही लेते हैं और उसी को जो है वापस फेंकते हैं, इसलिए जो है सूर्य देवता की प्रार्थना की गई है। और अगर आप आचार्यों की ओर मुड़ करके देखेंगे तो वाराहमिहिराचार्य और कल्याण वर्मा जो दोनों ज्योतिष के बहुत ही बड़े प्रकाश स्तंभ हैं, उन दोनों ने अपनी ज्योतिष पुस्तकों को लिखना सूर्य भगवान की प्रार्थना के साथ ही शुरू किया है। तो ज्योतिषी के लिए भगवान सूर्य की पूजा करना भी बहुत आवश्यक है, अगर ज्योतिषी भगवान सूर्य की पूजा नहीं करता तो ज्योतिषी को जो है कुंडली के अंधेरे में जो है भूत भविष्य वर्तमान को देखने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। आप भगवान सूर्य की पूजा आप गायत्री मंत्र के रूप में कर सकते हैं या किसी और रूप में कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। वैसे आपके गुरु का फर्ज है कि वो आपको कोई ना कोई जो है सूर्य का मंत्र दे, अगर आपको कोई सूर्य का मंत्र अब तक नहीं मिला है तो मेरी तरफ से आप आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ सकते हैं या गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, लेकिन गायत्री मंत्र वही लोग पढ़ें जो लोग या तो ब्राह्मण है नहीं तो उनको दीक्षा मिल चुकी है, और जिनको दीक्षा नहीं मिली वो ब्राह्मण नहीं, वो खुशी खुशी जो है आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद वही पराशर जी कहते हैं कि मैं ज्योतिष का ज्ञान विस्तृत कर रहा हूं जो मैंने ब्रह्मा से सीखा। अब ये बात बड़ी जरूरी है भैया, आज के समय में जो है ज्योतिष को लेकर बड़ा बवाल है कि ये केपी हो गया और ये नाड़ी हो गया और ये फलाना हो गया और ये ढिमका हो गया। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप भारतीय वाग्मय को पढ़ोगे, अगर आप भारतीय पुस्तकों को पढ़ोगे, अगर आप वेदों को पुराणों को पढ़ोगे तो तंत्रों को पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि शिव ज्ञान देते हैं और पार्वती उनसे पूछती है और शिव पार्वती को ज्ञान देते हैं और वहीं से अखंड ज्ञान की शुरुआत होती है। और क्योंकि ज्योतिष भी वेद वेदांगों का हिस्सा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, भारतीय दर्शन का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष भी जो है भगवान शिव के मुंह से निकला था, पार्वती को सुनाया गया था, जिसको कि ब्रह्मा ने सुना और ब्रह्मा ने उसको नारद को दिया और नारद ने फिर अन्य ऋषियों को दिया, इसी प्रकार से ये जो ज्ञान है नीचे आया। इसलिए ज्योतिष के ज्ञान में इस बात को लेकर के भिन्नता करना कि भैया ये नाड़ी है, ये केपी है और ये है और ये वो है, बहुत गलत है और इस चीज में आपको नहीं फंसना चाहिए। लेकिन हाँ कुछ चीजें पूरी तौर पर इलॉजिकल है, जैसा मैंने अभी नाड़ी ज्योतिष की बात की, उन चीजों से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अभी के समय ज्योतिष का जो स्वरूप है उसमें आपको एक हंस की भांति, जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, उस भांति आपको अलग करना पड़ेगा भैया कि क्या आर्ष है क्या अनार्ष है, क्या आदमी की अपनी कपोल कल्पना है। दूसरा पॉइंट जो है वो जो ऋषि ने बोला है कि भाई जिस भी विद्यार्थी को आप ज्योतिष सिखाएं उसको शांत होना चाहिए, गुरु का भक्त होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, आस्तिक होना चाहिए। अगर एक आदमी शांत, गुरु भक्त, सत्यवादी और भगवान में भरोसा करने वाले विद्यार्थी को पढ़ाता है तो जो है शिक्षक का भला होता है। तो वैसे तो आपके भीतर ये क्वालिटीज होनी चाहिए, अगर क्वालिटीज नहीं है तो इन क्वालिटीज को आप लाने की कोशिश करें। इसमें एक छोटा सा हिंट ये भी है भाई कि अगर आपको ये देखना है भैया कि ये बच्चा अच्छा ज्योतिष का विद्यार्थी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए पहले भैया आप उसके लग्न को देखें। शांत होने के लिए लग्न पे जो है शीतल ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए, जैसे चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है, तो इसका प्रभाव होगा तो भैया स्टूडेंट में जो है शांत होगा। गुरु भक्ति के लिए भैया उसके नवम भाव के ऊपर अच्छे प्रभाव देखने पड़ेंगे, सत्यवादी होने के लिए द्वितीय भाव अच्छे प्रभाव देखने पड़ेंगे, और आस्तिक होने के लिए जो है फिर नवम भाव की ओर ही जाना पड़ेगा। तो एक अच्छे ज्योतिष विद्यार्थी की कुंडली में पहला भाव, दूसरा भाव और नवा भाव अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर या तो अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो या इनके स्वामियों का प्रभाव हो, ये होना बहुत आवश्यक है। तो
इस चीज का जो है ज्योतिष परिप्रेक्ष्य में ये दर्शन है, और आम परिप्रेक्ष्य में तो भाई विद्यार्थी में ये गुण होने ही चाहिए, अगर विद्यार्थी में ये गुण नहीं है तो वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। फिर उसके बाद पराशर ऋषि कहते हैं कि किसी और के विद्यार्थी को पढ़ाने से, जो भगवान में भरोसा ना करता उसको पढ़ाने से, या बुरे व्यक्ति को, षठ लोगों को पढ़ाने से जो है, जो व्यक्ति पढ़ाता है उसके जीवन में दुख आता है, बुरे दिन आते हैं, कष्ट आता है। इसमें जो भगवान में भरोसा नहीं करता उसको तो इसलिए नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि भैया वो ज्योतिष को बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं समझ पाएगा, और बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर नहीं समझ पाएगा तो ज्योतिष उसके लिए आत्मोत्थान की विद्या नहीं बन पाएगी, फिर उसके अपना ही बुरा होगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देने से भैया जो भगवान को मानता नहीं है उसके लिए तो भैया फिर ज्योतिषी, ज्योतिष के गुरु की भी हानि है क्योंकि उसने अपना ज्ञान एक ऐसे आदमी को भेजा, ऐसे आदमी को दिया जो कि उस ज्ञान के काबिल नहीं था, तो खराब ही चीज है वो, ठीक है। बुरे लोगों को भैया इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि बुरा लोग तो भैया दुरुपयोग कर सकता है ज्ञान का। जैसे अब आपने किसी बुरे आदमी को बता दिया भैया की लड़की की कुंडली से, ये कैसे पता करें भैया की वो कुंवारी है कि नहीं है, तो वो पता नहीं उसका कहाँ का इस्तेमाल कर लेगा, फिर वो जातांत्रिक बाबा बनते हैं और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और टॉर्चर वॉर्चर करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, तो वो अच्छी स्थिति नहीं है, इसके लिए मना किया गया बुरे लोगों को पढ़ाने से। तीसरी बात भैया बड़ी जरूरी है कि दूसरे के विद्यार्थी को ना पढ़ाएं। ऐसा इसलिए नहीं पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि देखिए विद्यार्थी वो है जिसके मन में ज्ञान पक्का नहीं है। देखिए ज्योतिष पूरी तो किसी को नहीं आती, लेकिन गुरु वो होता है जिसका ज्ञान पक्का होता है, विद्यार्थी वो होता है जिसका ज्ञान पक्का नहीं होता, जो किसी से दूसरी जगह पे भटक रहा होता है। वैसे तो गुरु भी एक जगह से दूसरी जगह पे भटक रहा होता है, लेकिन कुछ ज्ञान उसको पक्का होता है, कुछ ज्ञान के लिए वो भटक रहा होता है, लेकिन विद्यार्थी जो होता है उसका सारा ही ज्ञान कच्चा होता है, वो सारे ज्ञान के लिए कहीं ना कहीं भटक रहा होता है। अब ऐसा अगर मान लीजिए किसी और का विद्यार्थी है और उसके गुरु ने उसको कुछ और सिखा रखा है, और अगर आप उसको अपनी बातें सिखाने लगोगे तो उसके मन में दुविधा पैदा हो, द्वंद पैदा हो। ये दुविधा या द्वंद उसके मन में पैदा होने से क्या होगा, उसके ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधा आएगी, और अगर बाधा ना आए तो उसके ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान पक्का करने का समय जो है थोड़ा जरूर बढ़ जाएगा। तो ऐसा करके किसी और के विद्यार्थी को पढ़ा के किसी और के विद्यार्थी के मन में आप अपनी समझ, अपना फॉर्मूला डाल करके जो है उसके मार्ग की जो है कठिनाइयां बढ़ाएंगे। इसलिए इस चीज को भी जो है पराशर ऋषि ने साफ तौर पर मना किया है कि भैया ज्योतिषी को किसी और के विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना चाहिए। तो इन बातों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। जो विद्यार्थी में जो गुण बताए गए हैं वो गुण आपको अपने अंदर विकसित करने चाहिए, और दूसरे, और जो चीज गुरु को नहीं करना चाहिए वो चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा अपने आम आचार व्यवहार में कि भैया मैंने जो चीज पढ़ाई है वो आप जो है किसी और के विद्यार्थी के साथ डिस्कस ना करें, वरना जो है फिर आपकी जिंदगी में दुख कष्ट आएगा। तो भैया हमें मत बोलना रेमेडी दे देने को। अब आगे की बातों को मैं केवल जो है जुबानी कह दूंगा, और इसके क्योंकि ये बहुत ही क्लियर है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, और इसके ऊपर जितना आप सोचेंगे उतना ही जो है आपका सोच का दायरा बढ़ता जाएगा। ज्योतिष से इसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये आपकी सोच को गहन करने के लिए कही गई बात है कि अव्यक्त विष्णु बिना किसी और छोर के हैं, अव्यक्त विष्णु असीम हैं, उनका शुरुआत और अंत का किसी को नहीं मालूम। यहाँ विष्णु शब्द का बहुत बार इस्तेमाल होगा, तो विष्णु शब्द को सुनने से पहले आप इस बात को पक्का सुन और समझ लें कि भाई पराशर ऋषि ने जो है परमात्मा की बात की है, तो यहाँ विष्णु का मतलब केवल श्री विष्णु ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप महादेव में श्रद्धा रखते हैं आप महादेव समझिए, आप दुर्गा माँ में श्रद्धा रखते हैं आप दुर्गा माँ समझिए, आप गणेश जी में श्रद्धा रखते हैं आप गणेश जी समझिए। तो अव्यक्त विष्णु बिना किसी शुरुआत या अंत के हैं, अव्यक्त विष्णु असीम है, वो हम सब के स्वामी हैं, वो भगवान है जो संपूर्ण तौर पे सत्वगुण के बने हुए हैं, वो बिना किसी गुण के हैं लेकिन फिर भी उनमें गुण हैं। उन्होंने इस दुनिया को बनाया, वो बहुत शक्तिशाली हैं और हर एक चीज के राजा हैं। अब इसमें एक बात बड़ी आवश्यक है भैया कि वो सत्वगुण के हैं और वो बिना किसी गुण के भी हैं और वो गुण को भी रखते हैं भैया, ये सब थोड़ा समझने वाली बात है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि गुण तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सत्व, एक होता है रज और एक होता है तम। तो जो सत्व गुण होता है वो सत्वगुण जो होता है वो आदमी का भला करने की ओर प्रेरित होता है। सत्व गुण वाला व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, सबका भला चाहता है, बेशक अपना बुरा कर ले लेकिन वो सबका भला चाहता है, ये सत्व गुण का पहचान है। दूसरा होता है भाई रजस गुण, रजस गुण का जो व्यक्ति होता है वो अपना भला चाहता है लेकिन दूसरे का बुरा नहीं चाहता। रजस गुण लोभ के जैसा होता है, जहाँ व्यक्ति अपना फायदा बढ़ाना चाहता है, ठीक है। अब उस फायदे के लिए हो सकता है दूसरे का अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान भी हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कुछ नुकसान नुकसान नहीं होता। तीसरा होता है तमस गुण, तमस गुण जो होता है वो बुरा गुण होता है। तमस गुण हुआ जैसे किसी को मार के उसके पैसे छीन लेना, जहां पर सामने वाले का प्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। तो ये जो तमस गुण है ये बहुत ही खराब प्रकार का गुण होता है। तो वैसे तो विष्णु सत्वगुण के हैं, बोल तो वो सबका भला करना चाहते हैं, लेकिन वो हर एक गुण से परे भी हैं, उनको किसी गुण में डाला नहीं जा सकता। हर गुण से परे होना मतलब उदासीन होना है, ये चौथा गुण होता है। उदासीनता भी एक गुण है। उदासीन व्यक्ति ना किसी का भला चाहता है ना किसी का बुरा चाहता है, उदासीन व्यक्ति हर चीज में जो है अविचल रहता है। अगर आप उदासीन व्यक्ति के सामने किसी को मारोगे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पानी पिलाओगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो हर एक चीज से अलग होता है, परे होता है। तो विष्णु
सत्व गुण के बने हुए हैं लेकिन वो साथ में उदासीन भी हैं, तो वैसे तो विष्णु उदासीन रहते हैं लेकिन जब कुछ करना चाहते हैं तो सत्व गुण के अंदर आकर के करते हैं, सत्य की शक्ति के साथ करते हैं और उनके अंदर गुण भी हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि जब किसी व्यक्ति में कुछ गुण होता है, व्यक्ति और इंसान के बीच में फर्क यह है कि जब किसी व्यक्ति में कोई गुण होता है तो वो गुण हमेशा के लिए होता है। व्यक्ति में जब गुण होता है, जैसे मैं सत्वगुणी आदमी हूँ तो मैं हमेशा सत्वगुणी हूँ, मैं रजोगुणी आदमी हूँ तो मैं हमेशा रजोगुणी हूँ, मैं तमोगुणी आदमी हूँ तो हमेशा तमोगुणी हूँ, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान अपनी लीला के साथ समय के अनुसार तीनों में से कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। जब विष्णु रचना करते हैं तो रजसगुण के हो जाते हैं, जब विष्णु पालन करते हैं तो सत्वगुण के हो जाते हैं, जब विष्णु संहार करते हैं तो तमोगुण के हो जाते हैं। तो समय के अनुसार जो है विष्णु गुण को धारण करते हैं और समय के अनुसार जो है गुण को हटा देते हैं। इंसान और भगवान में यही फर्क होता है कि इंसान के गुण इंसान को चलाते हैं जबकि भगवान अपने गुणों को अपनी मर्जी के हिसाब से चलाता है। वो चाहता है तो गुणों को धारण करता है, नहीं चाहता तो गुणों को धारण नहीं करता। अब अगली बात यह है इसमें कि भाई अपने अस्तित्व के एक छोटे से अंश से ही श्री विष्णु ने इस दुनिया को बनाया है और उस छोटे से अंश से ही श्री विष्णु इस दुनिया का पालन कर रहे हैं। वो महान लोग जो लोग तत्वों के बारे में जानते हैं वो उन श्री विष्णु के तीन हिस्सों को जानते हैं। अब यहाँ पर जो है कुछ ज्योतिष पंडितों का मानना है कि श्री विष्णु के चार हिस्से हैं, क्योंकि भैया धर्म के चार हिस्से होते हैं इसलिए उन्होंने श्री विष्णु के भी चार हिस्से बता रखे हैं, धर्म के चार पाद होते हैं इसलिए उन्होंने श्री विष्णु के चार हिस्से बता रखे हैं, और कह रखा है भैया कि जो ज्ञानी लोग हैं वो तीन हिस्सों को जानते हैं, चौथे हिस्से को कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए हिस्सों का जिक्र महर्षि पराशर ने नहीं किया है, क्योंकि महर्षि पराशर आखिर कुछ भी हो तो भैया है तो एक ऋषि ही, और कोई भी इंसान जो है भगवान को संपूर्ण तौर पे नहीं जान सकता। तो भैया भगवान जो है असीम है, भगवान के कितने पद हैं, कितने रूप हैं, कितने संख्या है, कितने अवतार हैं कोई नहीं जानता। आदमी अधिक से अधिक कल्प तक जान सकता है, किको तक जान सकता है, मनमंत्र तक जान सकता है, उससे अधिक कुछ जान नहीं सकता। तो वो लोग जो लोग तत्वों के बारे में जानते हैं वैसे 36 तत्व माने जाते हैं, लेकिन कुछ तांत्रिक ग्रंथों में 50 तत्व की, कुछ तांत्रिक ग्रंथों में 108 तत्व की, और कुछ तांत्रिक ग्रंथों में 18,000 से अधिक तत्वों की बात आई है। तो बहुत प्रकार के तत्व होते हैं। आमतौर पर पंच तत्व हम ज्योतिष में पढ़ते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो वो लोग जो लोग तत्वों को जानते हैं वो लोग जो है श्री विष्णु की सच्चाई के तीन पैरों को जानते हैं, जो कि उनका तीन प्रकार का रूप है, सृष्टि स्थिति और संहार का। इसका मतलब यह है कि वो लोग जो लोग तात्विक हैं, वो लोग जो लोग वेदांती हैं, वो लोग जो लोग की आध्यात्मिकता में बहुत ऊपर तक उठे हुए हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि विष्णु जो है संहार स्थिति और प्रलय कब क्यों और किस लिए करते हैं, वो इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन विष्णु के कितने रूप हैं, कितने प्रकार हैं, कितने अंश हैं, इन अंशों को कोई नहीं जानता, इसलिए इसके बारे में जो है कोई भी अवधारणा लगाना जो है हवा में अवधारणा लगाने की बात है। श्री विष्णु के स्वभाव का एक हिस्सा व्यक्त है और एक हिस्सा अव्यक्त है, जो कि विष्णु या वासुदेव के नाम से जाना जाता है। जो अव्यक्त विष्णु है उनकी दो शक्तियां हैं, जो व्यक्त विष्णु है उनकी तीन शक्तियां हैं, और जो व्यक्त विष्णु है उनके पास असीमित ताकत है। अब इसमें देखिए कि अव्यक्त विष्णु के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है, क्योंकि अव्यक्त विष्णु को कोई जानता ही नहीं तो उनके बारे में अधिक बात नहीं है। जो व्यक्त विष्णु है उनके बारे में बात की गई है कि भाई व्यक्त विष्णु के पास तीन शक्तियां हैं और अव्यक्त विष्णु के पास दो शक्तियां हैं। अव्यक्त विष्णु के पास जो है आपकी देखिए सृष्टि की और संहार की शक्ति है, उनके पास स्थिति की कोई शक्ति नहीं, क्योंकि जो चीज अव्यक्त है उसको स्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्त विष्णु है उनकी तीन शक्तियां हैं और असीमित ताकत है। वो तीन शक्तियां हैं सत्व शक्ति जिनको श्री कहा जाता है, रजो शक्ति जिनको भू कहा जाता है, और तमो शक्ति जिनको नील कहा जाता है। सत्व शक्ति श्री शक्ति लक्ष्मी माँ है, रजो शक्ति या भू शक्ति पृथ्वी माँ है, एंड तमो शक्ति या नील शक्ति काली माँ है। व्यक्त नारायण के इन तीन रूपों के अलावा एक चौथा रूप है जिसको वासुदेव जाना जाता है। ये जो चौथा रूप है वासुदेव, ये चौथा रूप वासुदेव इस धरती के साथ, जिस धरती में हम रहते हैं उस धरती के साथ संपर्क करता है। तो पहले तो एक विष्णु है जो अव्यक्त है और एक विष्णु है जो व्यक्त है। जो व्यक्त विष्णु है उनके तीन गुण है सत्व रज और तम, और एक चौथा रूप है उनका वासुदेव। जो चौथा रूप है वो चौथा रूप इस धरती के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। वो चौथा रूप जो इस धरती के साथ संबंध करता है, वो चौथा रूप फिर से तीन शक्तियों के साथ सत्व रज और तम शक्ति, जिन गुण भी कह सकते हैं, शक्ति और गुण के साथ मिल करके जो है अन्य चीजों को बनाता है। जैसे कि चौथा वासुदेव जो है वो श्री शक्ति के साथ मिलके शंकरशन प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बनते हैं, एक तरीके से इनके अवतार हैं।
उसके बाद जो संकर्षण है, जो प्रद्युम्न है, जो अनिरुद्ध है, जो कि अव्यक्त विष्णु है और उनका एक व्यक्त रूप है, वो जो व्यक्त विष्णु है उनके फिर तीन रूप हैं जो तीन अलग अलग शक्तियों के साथ है, और उनका चौथा रूप है जो वासुदेव है, वो चौथा रूप जो वासुदेव है उनके अंदर से तीन रूप संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध आते हैं, और फिर ये संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जो है वो फिर तीन शक्तियों से युक्त होते हैं और फिर वो आगे रूप लेते हैं। तो ये सब जो जितने भी रूप विष्णु लेते हैं उनके पास उनके पहले के गुण भी होते हैं और आगे आने वाले गुण भी उनके पास होते हैं। जैसे कृष्ण है तो अब कृष्ण को जो है संपूर्ण अवतार कहा जाता है, तो उनके पास क्या है कि उनके पास विष्णु जी की पहले वाली शक्तियां भी है और उनके खास शक्तियां भी हैं, तो इस प्रकार से है वो। तो आगे जो है संकर्षण नील शक्ति के साथ मिलके प्रद्युम्न भू शक्ति के साथ मिलेगा और अनिरुद्ध सत्व शक्ति के साथ मिलके इस दुनिया के साथ फिर अपने आप को जोड़ते हैं। उसमें जो संकर्षण है जो कि नील शक्ति के साथ मिलते हैं वो महत सोच देते हैं, जो बोलता है कि भाई मैं महान हूँ। प्रद्युम्न जो कि भू शक्ति के साथ हैं, जो कि रजोगुनी हैं, वो मैं महानतम हूँ इस सोच को जन्म देते हैं। और अनिरुद्ध जो कि सत्व शक्ति के साथ युक्त होते हैं वो ब्रह्मा का अहंकार को जन्म देते हैं। अब इसमें आप देखिए कि संकर्षण जो कि नील शक्ति के साथ, जो कि आपकी तमोगुणी शक्ति के साथ होती है, वो आदमी के अंदर महानता का भान देती है कि मैं सबसे महान हूँ। दूसरा जो प्रद्युम्न है वो अहंकार की सृष्टि करते हैं कि भाई मैं सबसे महान हूँ, वो रजोगुण के साथ मिलकर के प्रद्युम्न करते हैं। अनिरुद्ध जो है जो सत्वगुण के साथ मिले हुए होते हैं वो ब्रह्मा के अहंकार को जन्म देते हैं। अब इसमें अहंकार का ये जो रूप है जो सत्वगुण से प्रेरित है वो इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा सच में इस धरती को बनाने वाले हैं, तो अगर किसी चीज को बनाने वाला इस चीज का अहंकार रखे कि मैंने इस चीज को बनाया है तो उसको बुरे नजरिए से नहीं देखा जा सकता, इसलिए जो है अनिरुद्ध को ब्रह्मा का अहंकार कहा गया है। ये सब जितने भी रूप हैं विष्णु के, इनके पास अपनी पहले की शक्तियां भी हैं और अपनी स्वयं की शक्तियां भी हैं। जैसे जो अव्यक्त विष्णु है उनके पास अपनी शक्ति है और जो व्यक्त विष्णु है उनके पास अपनी शक्ति है। अब ये व्यक्त विष्णु फिर वासुदेव के रूप में आते हैं तो उनके पास पहले की शक्तियां भी हैं और वासुदेव की अपनी शक्तियां भी हैं। फिर वो वासुदेव जो है संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में आते हैं तो अब इन संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के पास भी अपनी शक्तियां भी हैं और पहले वाली शक्तियां भी हैं। तो इस प्रकार से जो है विष्णु के पास असीमित शक्तियां हैं, अपने पहले की शक्तियां भी हैं और आगे आने वाली शक्तियां भी हैं। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि जब विष्णु एक अवतार लेते हैं तो वो अपने अंदर की कुछ शक्तियों को छुपा लेते हैं, अपने अंदर की कुछ शक्तियों को जाहिर नहीं होने देते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि श्री विष्णु के पास वो शक्तियां हैं नहीं। अब आगे कहा जाता है कि अनिरुद्ध का जो अहंकार है जो कि ब्रह्म है, वो ब्रह्म तीन प्रकार का होता है, सत्व रजस और तमस। यहां जो सत्व अहंकार का अनिरुद्ध के ब्रह्म के साथ मिलने से देवताओं की सृष्टि होती है, तो देवताओं के अंदर जो अहंकार है वो असल का अहंकार है। ब्रह्म का रजस के साथ मिलन से इंद्रियां पैदा होती हैं। इंद्रियां जैसा कि हम सबको मालूम है इंद्रियों का स्वभाव है लोलुपता, ठीक है। जैसे जीभ एक इंद्रिय है तो वो स्वादिष्ट भोजन खाना चाहती है, और आपका जो है आंख एक इंद्रिय है तो वो अच्छी अच्छी चीजों को देखना चाहती है, इसलिए जो है रजस गुण है इंद्रियों का। और तमस गुण है पंच महाभूत का। अब तमस जो है उसको वैसे तो सिर्फ ये समझा जाता है कि तमस जो है वो विनाश का प्रतीक है, लेकिन विनाश से ही सृष्टि होती है जैसा कि हम नटराज की मूर्ति के द्वारा जानते हैं। इसके लिए तमस को पंच महाभूतों का प्रतीक कहा गया है कि ये पंच महाभूत जो है, जो कि आपका अग्नि वायु जल पृथ्वी और आकाश है, ये पंच महाभूत ही मिलकर इंसान को बनाते हैं, और इन पंच महाभूतों का बिखर जाना ही इंसान का जो है खत्म हो जाना, या किसी भी सृष्टि का खत्म हो जाना इन पंच महाभूतों का अलग हो जाना ही होता है। तो उसके लिए जो है ये जो है सत्व और ये जो है रजस और ये जो है तमस, इनको जो है अच्छी बुरी और अच्छी बुरी और बहुत बुरी, या फिर ऐसा बोलो कि आपकी जो सत्व है वो अच्छा है और रजस जो है वो लोभ है और तमस जो है वो बुरा है, ये सिर्फ एक नजरिए से उसको सोचना है। जब आप चीज को बृहत्तर नजरिए में सोचते हो, जब आप उसको ब्रॉड नजरिए में सोचते हो, तो मामला जो है बहुत अलग हो जाता है, बहुत बदल जाता है। और एक बार फिर से ये जो देवता हैं, इन देवताओं के पास अपने पहले की शक्तियां भी हैं और उनकी अपनी शक्तियां भी हैं। जो इंद्रिय है उनके पास पहले की शक्ति भी है और अपनी शक्ति भी है। जो पंच महाभूत हैं उनके पास में पहले की शक्ति भी है, अपनी शक्ति भी है। इसमें पहले की शक्ति और अपनी शक्ति की बात मैं इंद्रियों के द्वारा थोड़ा आपको बताऊंगा कि देखिए इंद्रियों में पहले की शक्ति होने का मतलब है भाई कि अगर एक बार आपको परमात्मा के सुख का, ध्यान के सुख का अनुभव मिल गया तो इंद्रियां बार बार उस ओर जाने की कोशिश करती हैं, तो ये इंद्रियों का अपने पहले की शक्ति की ओर जुड़ना होता है। जबकि अगर आप इंद्रियों को जो है भगवत प्राप्ति की ओर ना लगाएं, ध्यान धारणा समाधि की ओर ना लगाएं, प्रत्याहार की ओर ना लगाएं, तो वो फिर आम दुनिया की ओर भागती है, जो कि इंद्रियों का अपनी शक्तियों के साथ
मिलन का प्रतीक है। तो इस प्रकार से इसको समझने की आवश्यकता है। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई एक व्यक्त विष्णु है और एक अव्यक्त विष्णु है। जो व्यक्त विष्णु है उनके तीन, वो तीन गुणों के साथ मिलकर सत्वरज और तम गुणों के साथ मिलकर के जो है इस दुनिया में आते हैं, और फिर उन तीन गुणों से एक इतर चौथा गुण होता है वासुदेव का। अब ये जो वासुदेव है वो स्त्री शक्ति के साथ मिलकर के विष्णु को बनाते हैं, वो विष्णु जो कि इस दुनिया का पालन करते हैं। वही वासुदेव भू शक्ति के साथ मिलकर के ब्रह्मा को बनाते हैं जो इस संसार को बनाते हैं, और वही वासुदेव नील शक्ति के साथ मिलकर के शिव को बनाते हैं जो कि इस दुनिया का संहार करते हैं। ये बेसिक क्रिएशन वाली बात है। अब ये वो विष्णु ब्रह्मा और शिव हैं जिनको कि हम त्रिमूर्ति के नाम से अपने वैदिक वाग्मय में जानते हैं। आगे कहते हैं कि भाई भगवान तो सब में रहता है और भगवान सब में रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अगर ब्रह्मांड में जो कुछ है वह इंसान के पिंड के अंदर भी है, तो ये सारा पिंड भी तो एक भगवान के अंदर ही है। तो भगवान और इंसान में आमतौर पर कोई भेद नहीं है। इंसान भी भगवान के शरीर के अंदर खिलता हुआ कीड़ा कीटाणु वायरस बैक्टीरिया के जैसा ही है। तो भगवान सब में रहते हैं और सब भगवान में रहते हैं। हर व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भगवत अंश होता है और थोड़ा सा इंसान का अंश होता है, अलग अलग मात्राओं में। ठीक है, थोड़ा इंसानी अंश होता है जो कि इंसानी अंश को मैं बोलूंगा आत्मा की कालिक आत्मा के स्वभाव, जो इतने जन्मों और इतने कर्मों से हो जाते हैं, थोड़ा वो रहता है, थोड़ा भगवान का अंश भी रहता है, भगवत अंश भी रहता है। जो ग्रह हैं जैसे सूर्य चंद्रमा, जो देवता हैं जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो शक्तियां हैं जैसे कि रुद्र, आप एक बात को समझिए कि रुद्र जो है ब्रह्मा जैसे देवता नहीं है, रुद्र एक प्रकार की शक्ति है। और जो अवतार हैं जैसे राम कृष्ण और उनकी जो शक्तियां हैं जैसे कि लक्ष्मी पार्वती, इन चीजों में भगवत अंश ज्यादा होता है। जबकि दूसरे देवताओं में जैसे कि इंद्र हुआ, वरुण हुआ, और उनकी शक्तियों में जैसे कि इंद्राणी हुई, वारुणी हुई, और इंसानों में जो है जीवात्मा का अंश अधिक होता है, जीव का अंश अधिक होता है। अब ये जो जीव है इसको मैं एक प्रकार से बोलूंगा कि ये जो जीव अंश है, ये जीव अंश एक प्रकार का मायावी अंश है जो इंसान के घेरे के इर्द गिर्द बनता है। देखिए, अगर आप बड़े परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो भगवान के सिवा इस दुनिया में तो कुछ है नहीं। तो जो भी अंश है वो भगवान का ही अंश है, लेकिन उसके बावजूद इंसान अपने संस्कारों के कारण, क्योंकि देखिए आप अगर शरीर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जिंदगी बड़ी लंबी प्रतीत होती है, लेकिन आत्मा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो जिंदगी बड़ी छोटी प्रतीत होती है। तो आत्मा अपने पिछले और अगले संस्कारों के कारण, जैसे कि मान लीजिए पिछले जन्म में कोई व्यक्ति डाकू है और इस जन्म में अगर वो साधु बन गया, तो फिर भी उसकी जो है वो जो है डाकों वाला काम करने की प्रवृत्ति जो है घटेगी, खत्म नहीं होगी, फिर उससे वो आसाराम बापू जैसे लोग जो है उत्पन्न होते हैं। तो अब ये जो प्रवृत्ति है आत्मा की जो पिछले जन्म में बिगड़ चुकी है, उसको जीवात्मा अंश कहा जाता है, और इंसान के अंदर जो भगवत तत्व है उसको परमात्मा अंश कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि आपने कभी कभी वैदिक कहानियों में आपको पता चलेगा भैया कि इंद्र तो बड़ा खराब आदमी है और वरुण तो बड़ा खराब आदमी है और अग्नि तो बड़ा खराब आदमी है, क्योंकि अग्नि जो है भैया वो सब ऋषियों की पत्नियों के पीछे ही मोहित हो जाते हैं, और भैया जो इंद्र जो है वो इंद्र के तो कारनामे कुख्यात हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें जीव का अंश ज्यादा है, उनमें जो है उनके अपने आत्मा की जो कंडीशनिंग है, अपने आत्मा के जो संस्कार है वो अधिक है, और परमात्मा का जो अंश है वो थोड़ा कम है। ये एक और बात को दर्शाता है कि भैया ये जो इंद्र की जो पदवी है, जो ये विष्णु जो ये इंद्र की जो पदवियां हैं, ये सब पदवियां जो है इंसानों के द्वारा हासिल की जा सकती हैं। जैसा कि आप लोगों में से अगर कोई जैन ग्रंथों के बारे में ध्यान ज्ञान रखता है, तो उसमें कहा गया है भाई कि रावण जो है अगले जन्म का तीर्थंकर होगा। तो उसी प्रकार से अगर आप हिंदू धर्म को देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि बहुत राजा बाली को वामन अवतार ने आशीर्वाद दिया था कि भाई अगले जो है मनवंतर में जाकर के तुम जो है इंद्र बनोगे। तो ये इंद्र वगैरह सबकी जो स्थिति है, ये सब स्थिति इंसानी आत्मा के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अगर इंसानी आत्मा बहुत अच्छे काम करे, अगर जो है आपका आध्यात्मिकता में बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच जाए। तो यहाँ पर जो है इस डाउट को जो है ऋषि क्लियर कर देते हैं हमारा। अगर ऋषि कहते हैं कि भाई राम कृष्ण नरसिंह और वाराह, ये चार जो है ये पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार होने का मतलब है कि इनमें परमात्मा का अंश बहुत ज्यादा है, और ये अपनी पहले की शक्तियों के साथ संपूर्ण सामंजस्य में है। ये अपना जो है इनका आत्मा जो है अपनी पिछली शक्तियों को पूरे संपूर्ण तौर पे पहचानती है। क्योंकि होता क्या है कि जब विष्णु स्वयं अवतार लेते हैं तो वो स्वयं अपने और अपने अवतार के बीच में पर्दा डाल देते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि राम कृष्ण नरसिंह और वाराह जो हैं, इनका जब अवतार हुआ तो भगवान विष्णु ने अपने और इनके बीच में कोई पर्दा नहीं डाला, और ये अपनी सृष्टि से, ये अपनी सत्ता से कि ये भगवान के अंश है और आम इंसान नहीं है, ये इस बात से संपूर्ण तौर पर जो है संपूर्ण तौर पे इस बात को लेकर ये लोग सजग थे, ये बात इनको संपूर्ण तौर पे मालूम थी। तो इनको जो है पूर्ण अवतार कहा जाता है।
और बाकी जितने भी अवतार हुए हैं, जैसे कि आपका जो है परशुराम हुए हैं और वामन हुए हैं, उन सब के अंदर परमात्मा अंश तो बहुत अधिक मात्रा में था ही, लेकिन कुछ जीव का अंश भी था, इसलिए उनसे कई बार की गलतियां दिखाई जाती हैं। जैसे अगर आपने परशुराम की कथा पढ़ी हो तो उनका राम के साथ धनुष तोड़ने वाली बात पे विवाद हो जाना और संपूर्ण क्षत्रियों का जो संहार करना, ये वो चीजें हैं जो कि उनके जीव वंश के प्रभाव से अधिक है और देव वंश के प्रभाव से थोड़ा कम है। इसमें अब ये जो है कि भाई किसमें जीवांश ज्यादा है, किसमें परमात्मांश ज्यादा है, इसके बारे में जो है भारतीय विद्या भवन के शिक्षकों की थोड़ी खोज है कि अगर दशांश के दशम भाव पे भाई संपूर्ण जीवात्मा अंश ग्रह, मतलब कि अगर राम कृष्ण नरसिंह और वाराह वाले ग्रहों का, मतलब कि बोले तो सूर्य चंद्रमा मंगल और राहु का अगर दशांश के दसवें भाव से संबंध हो तो इंसान को सरकारी नौकरी मिलती है, और अगर नहीं हो तो इंसान आम प्रकार की नौकरी करता है। तो ऐसे रिसर्च हैं और ये रिसर्च को एक प्रकार का एडवांस रिसर्च कहा जा सकता है, और आप लोग इन प्रकार के रिसर्चों को करने में तभी सक्षम हो पाएंगे जब आप इस ज्ञान को आज समझेंगे और लंबे समय तक इसके ऊपर चिंतन करेंगे, उसके बाद ही आप इस प्रकार की चीजें खुद बनाने में समर्थ हो पाएंगे। उसके बाद कहते हैं कि भाई भगवान के बहुत अवतार होते हैं, इंसान के कर्मों का फल देने के लिए ही भगवान अवतार के रूप में आते हैं। जैसे रावण को मारने के लिए भगवान अवतार के रूप में आए, कंस को मारने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आए, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, दुश्मनों को खत्म करने के लिए, यहाँ पर मैं राक्षस शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, यहाँ मैं दुश्मन शब्द इस्तेमाल करूंगा, इसलिए क्योंकि जो भी चीज संस्कृति के विरुद्ध है उसको आप बुरा राक्षस मान सकते हो, और जो भी चीज संस्कृति के साथ है उसको अच्छा राक्षस मान सकते हो। बहुत अच्छे राक्षसों की भी कथा है वैदिक पुराणों में, जैसे कि गयासुर की कथा है, गयासुर बहुत अच्छे राक्षस थे, यहाँ तक कि मैं दानव जो कि रावण के आपके जो है ससुर जी लगते हैं, वो भी बहुत अच्छे दानव में थे। तो इसलिए मैंने जो है दानव शब्द के इस्तेमाल की बजाय आसुरी शक्ति या फिर विलन का इस्तेमाल करना ज्यादा प्रभावकारी मुझे लगता है कि भाई दुश्मनों को मारने के लिए और अन्य देवताओं को, इंद्र जैसे छोटे देवताओं को शक्ति देने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए जो अवतार होते हैं वो ग्रहों से ही आते हैं। ये बात बड़ी जरूरी है कि जो अवतार होते हैं वो ग्रहों से ही निकल करके आते हैं। यहाँ पर एक चीज बड़ी आवश्यक है कि देखिए अवतार का आना एक प्रकार के धर्म को स्थापित करना होता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो भाई जब श्रीराम आए, श्रीराम से पहले संपूर्ण सतयुग था, लेकिन श्रीराम के जाने से पहले क्या बात होती है कि श्रीराम एक आम धोबी के कहने पे जो है अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, और ऐसी कुछ अटपटी बातें आपको जो है कि रामायण में मिल सकती है। तो अब दरअसल श्रीराम तो भगवान विष्णु है और सीता माँ तो भगवती लक्ष्मी है, तो इस बारे में तो कोई संशय नहीं कि वो अलग नहीं हो सकते या कुछ नहीं हो सकते, लेकिन ये इस बात को दर्शाना है कि भाई राम के आने से पहले सतयुग वो चल रहा है जहाँ कोई इंसान किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहा, संपूर्ण सत्य का समय है और उस समय सबूत की कोई आवश्यकता नहीं है। इंसान अगर मुंह से बोल दे मैंने ये काम नहीं किया तो आप उस बात को मान लेते हो, भैया किस व्यक्ति ने ये काम नहीं किया, और चोरी वोरी जैसा कोई चीज उस समाज में जो है रहती ही नहीं है। लेकिन राम जब आते हैं तो एक रामायण के अंत में एक बात होती है कि भाई रामायण के अंत में व्यक्ति को शंका होती है, तो वहां से जो है पुराणों के हवाले से ये बात कही गई है कि जब राम ने प्रयाण किया तो उस समय तक जो है सतयुग का अंत होकर के जो है आपका द्वापर युग का जो कि पॉलिटिकल युग माना जाता है उस द्वापर युग का जो है प्रारंभ हो चुका था। उस समय तक लोगों में इतनी कुरीतियां आ चुकी थी, संशय का उदय हो चुका था, झूठ बोलने वाली बातों का उदय हो चुका था। उसके बाद फिर जब आप महाभारत की ओर आते हैं तो देखते हैं कि भाई झूठ तो बहुत बढ़ चुका है, वो अश्वत्थामा हाथी को मार दिया वाली बात से किसी कौरव के आई थिंक भीष्म पितामह को अश्वत्थामा हाथी मारने वाली बात को लेकर के भ्रमित करके उनको जो है युद्ध से हटा देना, और जो है आपका धर्मराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति के मुंह से जो कि एक प्रकार से सतयुग का व्यक्ति है उसके मुंह से झूठी बात निकलवा देना कि हाँ अश्वत्थामा मर गया, और उसके बाद कृष्ण जी का शंख बजा देना ताकि भीष्म पितामह ये ना सुन पाए कि अश्वत्थामा हाथी था वाली बात, ये दिखाती है कि भाई राम जी के जाने से जो झूठ बोलने का संशय का जो बीज पड़ा जो कि उस धोबी के द्वारा पड़ा वो महाभारत काल में आता से बहुत ज्यादा मुखर हो गया। और महाभारत के अंत में फिर ये भी दिखाया जाने लगा कि भाई कि बेशक राम जी के जाने से संशय का और झूठ बोलने का जो है परिपाटी चल पड़ी, लेकिन समय बहुत बिगड़ा नहीं था, लेकिन जब कृष्ण आते हैं तो उस समय स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति किसी का राज पाठ हथियाने के लिए जो है अधर्म का सहारा लेने लगता है, किसी और को मारने का सहारा लेने लगता है, झूठ का सहारा लेने लगता है। तो उस समय जो होता है वो कृष्ण आते हैं और कृष्ण एक नई किस्म का जो है धर्म देते हैं भाई कि इंसान को जो है अपने कर्मों पर अडिग रहना चाहिए,
क्योंकि भाई राम के समय में तो जो भी है वो सब सात्विक इंसान है, उस सात्विक इंसान से जब फिर झूठ और अन्य चीजों का आगमन होता है, जब चोरी चोरी इत्यादि का चोरी इत्यादि चीजें आती हैं, छलना आता है एक की पत्नी को पाने के लिए दूसरे के मन में लालसा जैसी जब चीजें उत्पन्न होती हैं, तो फिर कृष्ण आकर के एक नया धर्म देते हैं कि अगर एक इंसान जो कि भगवान की ओर उन्मुख है, जैसे कि क्षत्रिय दुविधा में पड़ा हुआ क्षत्रिय अगर ये सोचने लगे कि मैं अपने भाइयों को बंधुओं को नहीं मारूंगा सखाओं को नहीं मारूंगा तो फिर दुष्ट का अत्याचार तो भाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और इस प्रकार से जो है अराजकता फैलेगी, तो फिर कृष्ण जो है वो आकर के एक नए प्रकार के जो है धर्म का उपदेश देते हैं। और कृष्ण के बाद मेरे ख्याल से अगला जो सबसे जो करीबी अवतार है वो बुद्ध है, ठीक है। अब कुछ लोग बुद्ध को अवतार लेते हैं, कुछ लोग बुद्ध को अवतार नहीं लेते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने बुद्ध को क्योंकि अवतार माना है और मैं उनकी परंपरा में दीक्षित हूं, तो मैं भी वैसे बुद्ध को अवतार मानता हूं। लेकिन मेरे हिसाब से बुद्ध को अगर आप शाब्दिक अर्थों में देखें तो बुद्ध का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो बुद्ध का मतलब सिर्फ वही गौतम बुद्ध ही नहीं है, बुद्ध का मतलब कोई भी वो हो कोई भी वो अवतार हो सकता है जो जिसको कि अवतार माना जाता है, या फिर जो कि मानसिक तौर पे बहुत ही उन्नत व्यक्ति रहा हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस को अवतार माना जाता है, चैतन्य महाप्रभु को अवतार माना जाता है। उसी प्रकार बुद्ध का मतलब सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं है, बुद्ध का मतलब महावीर भी हो सकता है, बुद्ध का मतलब ऋषभदेव भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब भगवान रामकृष्ण परमहंस भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब परमहंस योगानंद भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब चैतन्य महाप्रभु भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब कठिया दास राम बाबा भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब बामखेप भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब लोकनाथ ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, बुद्ध का मतलब जो है कोई स्वामी समर्थ रामदास जी भी हो सकते हैं, तो बुद्ध का मतलब कोई भी हो सकता है मेरे हिसाब से। तो अब ये जो बुद्धों का आना है वो दिखा रहा है भाई कि कलयुग में व्यक्ति का क्या धर्म हो, उसमें जैसे कि देखिए कि अब भाई स्वामी रामकृष्ण परमहंस खुद कहते हैं कि भाई कलयुग में तो वैसे तो इंसान को भैया कामनी कांचन से दूर रहना चाहिए, लेकिन भैया हम अब तो कलयुग आ गया है, अब कलयुग में तो इंसान कामनी कांचन से दूर रह नहीं सकता, तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए भैया कि एक दो संतान पैदा करनी चाहिए, और उस एक दो संतान को पैदा करने के बाद जो है मियां बीवी को जो है भैया पति पत्नी की तरह नहीं मित्र सखा की तरह रहना चाहिए। तो इसमें अगर आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में जाकर के देखेंगे सन 1800 की बात, जबकि बात की स्वामी रामकृष्ण परमहंस करते हैं मेरे ख्याल 1886 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सन 1800 के आसपास के अगर आप भारत को देखें तो उस समय जो है इंसान बहुत बच्चे करता था भाई, एक परिवार में 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हो रहे हैं। उस वजह से जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस क्योंकि उनको अवतार माना जाता है, क्योंकि वो अवतार थे इसलिए उनको मालूम था कि भाई आगे आने वाले समय में जो है ओवर पॉपुलेशन जो इस दुनिया की समस्या बनेगी, इसलिए उस समय उन्होंने बोला कि भाई अगर आप दो बच्चे करो तो ये अच्छा, 15-15, 20-20 बच्चे करो, इसको फायदा नहीं, गरीबी ज्यादा फैलती है। तो इस प्रकार से जो है अवतार का काम है, अवतार का काम है धर्म की स्थापना करना, ये बहुत ही जरूरी बात है, ठीक है, कि अवतार का काम है धर्म की स्थापना करना। तो इसमें आप एक बात ये कह सकते हो भाई कि ग्रह जिस भी भाव में बैठेगा उस भाव में आपको ये पता चलेगा कि भाई इंसानी जीवन के उस हिस्से में अराजकता तो है। जैसे आप मान लीजिए भैया आपने मेरी कुंडली देखी, वो कुंडली देखा आपने, 12वें भाव में भैया 3 ग्रह बैठे हैं, तो आप ये कह सकोगे भैया 12वां भाव जैसे नींद का होता है, तो आप ये कह सकते हो कि इंसान सोने होने के मामले में जो है बड़ी लापरवाही बरतता है, उस मामले में जो है इसको धर्म की स्थापना करनी चाहिए भाई, कोई रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। जैसे किसी के एकादश भाव में ग्रह है मान लीजिए, अब जरूरी नहीं है ना हर भाव में ग्रह ही हो, हर भाव के फल तो होंगे लेकिन जरूरी नहीं ग्रह भी होगा, ठीक है। अब मान लीजिए भैया मेरे एकादश भाव में 2 ग्रह हैं, तो इसका मतलब है भैया इस इंसान को पैसे के मामले में जो है धर्म का पालन करना चाहिए, हो सकता है आत्मा पैसे के मामले में अधर्म का भी सहारा ले ले, तो पैसे के मामले में इसको कोई धर्म पालन करना चाहिए, इसकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये चीज जो है ये थोड़ा गहन गहरा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको अधिक सोचना पड़ेगा, जितना आप सोचेंगे उतना ही आप इस चीज को गहरे तरीके से समझ पाएंगे। तो यही है, तो यहाँ पर आखिरी बात बड़ी आवश्यक है कि ये सब जो अवतार हैं ये सब अवतार ग्रहों से ही हुए हैं, और ग्रहों से ही हुए हैं इस बात का क्या मतलब है ये अगली स्लाइड में जो है थोड़ा विस्तार में समझाया गया है। तो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आगे कहा जाता है कि सूर्य से राम अवतार हुए, चंद्र से कृष्ण अवतार हुए, मंगल से नरसिंह अवतार हुए, बुध से बुध अवतार हुए जिनकी व्याख्या मैं भी कर चुका हूँ, गुरु से वामन अवतार हुए, विष्णु से परशुराम अवतार हुए, शनि से कूर्म अवतार हुए, राहु से वाराह अवतार हुए, केतु से मत्स्य अवतार हुए। बाकी के जितने भी अवतार हैं जैसे चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि भी ग्रहों से ही हुए हैं। जिन अवतार के अंदर परमात्मा का अंश ज्यादा है उनको भगवान माना जाता है, उनको भगवान समझा जाता है। ऋषि ने एक शब्द इस्तेमाल किया खेचर, खेचर का मतलब ग्रह भी होता है संस्कृत में। तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जो ग्रह हैं वो भी भगवान विष्णु के या बोले तो परमात्मा के ही अवतार है, जिनके अंदर की परमात्मा अंश बहुत अधिक है।
और ये बात कहना कि भाई ग्रहों के अंदर परमात्मा अंश बहुत अधिक है, इस बात को स्पष्ट करता है कि अगर कोई ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो इसलिए पीड़ा नहीं दे रहा क्योंकि वो आपको पीड़ा देना चाहता है, बल्कि इसलिए पीड़ा दे रहा है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हैं, भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आपको पीड़ा देना चाहते हैं, इसके लिए आपको अपने कर्म सुधारने चाहिए ग्रहों को गाली देने के बजाय। और जिनके अंदर जीवांश ज्यादा है, जैसे कि हम सब के अंदर परमात्मा थोड़ा कम है और जीवांश थोड़ा ज्यादा है, तो उन सबको जो है जीव जाना जाता है। राम कृष्ण इत्यादि ग्रहों से अवतरित होते हैं, अपने काम को पूरा करते हैं और वापस ग्रहों में ही चले जाते हैं। इसमें एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आपको मालूम होगा भैया कि लोक होते हैं, भैया विष्णु का जो आप विष्णु के जो हैं भैया वो विष्णु लोक हैं, और जो हैं कृष्ण जो हैं वो वैकुंठ लोक में हैं, और जो इंद्र जो हैं वो जो है आपके स्वर्ग लोक में है। तो ये सब जो लोक हैं ये सब लोग ग्रहों के ही हैं, ठीक है। ग्रहों के बहुत लोक होते हैं, जैसे अगर आप धरती से आप ऊपर ऊपर की ओर जाने लगेंगे तो आपको सबसे पहले जो है चंद्रलोक मिलेगा जहाँ भाई पितर रहते हैं, उसके ऊपर फिर आपको जो है शुक्र लोक मिलेगा, फिर उसके ऊपर आपको जो है कहीं जाके बुध लोक मिलेगा, फिर आपको जो है सूर्य लोक मिलेगा, फिर आपको मंगल का लोक मिलेगा, फिर आपको गुरु का लोक मिलेगा, फिर आपको शनि का लोक मिलेगा। तो इन अलग अलग लोकों में ही जो है अलग अलग आपके स्वर्ग लोक और ये वैकुंठ लोक इत्यादि इत्यादि लोक उसके अंदर ही समाये हुए हैं। इसी वजह से कहा गया है कि ये सब जो रामकृष्ण इत्यादि जो अवतार हैं ये सब ग्रहों से ही निकले हैं। तो यहाँ एक बात का बड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि ये जितने भी लोक वोक की बात की गई है, जितने भी नरकों की बात की गई है, ये सब ग्रह के अंदर ही है। तो इंसान की जब आत्मा जो है, जो आत्मा का कारक सूर्य को माना जाता है, लेकिन हर एक ग्रह इंसान की आत्मा में कुछ ना कुछ हिस्सा देता है, ठीक है। एक बड़ी स्टार्टिंग में जब मैं ज्योतिष में नया नया आया था तब मैंने एक फिलोसफी पढ़ी थी भैया की, जब इंसान पैदा होता है, मैंने दर्शन पढ़ा था कि जब इंसान पैदा होता है माँ की कोख से पहली बार बाहर आता है तो उस समय उस स्थान पर जो है ग्रहों का कुछ प्रभाव होता है। अब जैसे मान लीजिए भैया गर्मी में दोपहर में पैदा हो गए जुलाई में 12 बजे, तो उसमें ऑफकोर्स कॉमन सी बात है भैया गर्मी ज्यादा रहेगी और भैया जो है चंद्रमा का प्रभाव बड़ा कम रहेगा, तो उसकी कुंडली में भैया सूर्य बड़ा मुखर होगा और चंद्रमा बड़ा कमजोर होगा। तो कहानी ये है भाई कि जब हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में भैया ये दर्शन पढ़ा था कि जब इंसान माँ के जो है कुख से बाहर निकलता है तो भैया उस समय जिस जगह पे पैदा होता है उस जगह पे ग्रहों के जैसे प्रभाव होते हैं वो उसके ऊपर हमेशा कलंकित हो जाते हैं। चमड़ी में पहली बार वो प्रभाव पड़ते हैं वो हमेशा कलंकित हो जाते हैं और वही इस बात को जो है तय करते हैं कि आगे व्यक्ति का जीवन कैसे होगा और उन्हीं प्रभावों का जो आकलन है वो कुंडली के द्वारा किया जाता है। तो एक प्रकार से ये कहना हुआ कि भाई जो आत्मा होती है वो आत्मा किसी ग्रह से माँ के गर्भ में आती है इस धरती पे, अपने काम को पूरा करती है और अपने काम को पूरा करने के बाद जो है वापिस उन्हीं ग्रहों में से एक में चली जाती है। इसमें अगर आप विदेशी वैज्ञानिकों की खोजों को माने, वो विदेशी वैज्ञानिक कुछ विदेशी वैज्ञानिक हैं जो भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म में भरोसा करते हैं, उनकी खोजों के हिसाब से जो है 7 लोक होते हैं। उन 7 लोकों में से कुछ लोग जो है बुरे होते हैं और कुछ लोग जो है अच्छे होते हैं, जिसका आप रूपण इत्यादि पढ़ेंगे तब वो स्वर्ग नरक का वर्णन उसमें खूब सारा मिल जाएगा। तो उसमें ये लिखा हुआ है भैया कि जो आत्मा होती है वो बेसिकली जो है आपके बुरी आत्मा बुरे लोक में होती है और अच्छी आत्मा अच्छे लोक में होती है। तो इसमें हर आत्मा का कर्तव्य होता है कि वो अपने कर्मों को खत्म करने के लिए लोकों से नीचे उतरे, इंसानी शरीर को धारण करे और अपने कर्मों को सुधारे। अगर वो अपने कर्मों को सुधारेगा तो ऊपर के अच्छे लोकों में जाएगा, कर्मों को नहीं सुधारेगा तो नीचे के बुरे लोकों में जाएगा। लेकिन हर आत्मा का यह कर्तव्य होता है कि वो इंसानी जन्म लेकर के ही अपने कर्मों को सुधारे, किसी ग्रह में बैठा हुआ नरक की यातनाएं सहके या जो है आपका स्वर्ग के सुख से आकर के अपने कर्म को खत्म नहीं कर सकता। कर्म को खत्म करने के लिए उसको इंसानी जीवन लेना पड़ता है और उसके बाद जो है वो अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग सतहों में भेज दिया जाता है और उस सतह से फिर उसको वापस उतरना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है, तब तक जब तक कि वो सबसे ऊपर वाली सतह पे उस सतह पे ना पहुंच जाए जिसके बाद जो है इंसान को मुक्ति मिल जाती है, आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। तो इस बात को समझना बड़ा आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद अगली बात कही गई है कि जो जीवों का अंश है, जैसे परमात्मा का अंश तो आप समझ गए भैया कि राम जो है वो जो है सूर्य लोक से आ गए हैं और जो कृष्ण है भैया वो तो चंद्र लोक से आ गए हैं, तो बोल दो कि भैया चंद्र लोक में जो है वो वैकुंठ है, ठीक है ना। तो वो तो आए ही आए ग्रहों से, लेकिन जो जीवांश है जो आप हैं और हम हैं, हम सब भी ग्रहों के ही अंशों से बने हैं, ठीक है। इसका जो है किस ग्रह के अंश से आप बने हो इसका षडबल में बड़ा विस्तृत आपको विवरण मिल जाएगा, इसलिए जो है प्रत्यक्ष तौर पे देखने पे तो षडबल का ज्योतिष में कोई इस्तेमाल नहीं लगता, लेकिन हर एक पुस्तक में जो है षडबल पे एक चैप्टर तो कम से कम दिया ही रहता है। हर एक क्लासिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं पुस्तक बोलूंगा तब क्लासिक्स को समझिएगा, आजकल के लेखक जो लिखते हैं उसमें मुझे कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हर क्लासिक्स में जो है आपका जो है षडबल के बारे में कुछ ना कुछ बात जरूर की होती है, क्योंकि षडबल इस बात को दर्शाता है भैया कि इंसान की जो आत्मा है उस आत्मा में किस किस ग्रह का कितना अंश है, वो आत्मा जो है किस किस ग्रह से कितना कितना होकर के आ चुकी है, ठीक है, किस किस ग्रह का कितना प्रभाव है, ये उससे जाना जा सकता है। खैर इस कोर्स में हम षडबल पढ़ेंगे आगे जा करके, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उतना डिटेल में
मैं कोशिश करूंगा किसी वर्कशॉप वर्कशॉप में इसको करवाया जाए, ठीक है। शायद पहला वर्कशॉप मैं करूँ तो वो भी इस पर ही कर दूँ, खैर जैसा प्रभु ने चाहा वैसा ही होगा। तो जो जीवात्मा है, जो आप हैं, जो हम हैं, हम लोग भी ग्रहों से ही आए हैं यहाँ पर, इसलिए ताकि हम अपने कर्मों का फल भुगतें और वापस ग्रहों में जाकर के मिल जाए। वो बात जो मैं भी पहले बता चुका हूँ कि सात सतहें होती हैं, कुछ बुरी सतहें होती हैं, कुछ अच्छी सतहें होती हैं, और इंसान और जो आत्मा होती है वो किसी एक सतह पर रह करके जो है अपनी यातना भोग रही होती है या सुख भोग रही होती है, लेकिन उसके कुछ कर्म होते हैं और उस कर्मों को निपटाने के लिए, उस कर्मों को चुकाने के लिए, उन बंधनों को चुकाने के लिए उसको वापस धरती पर आकर के इंसानी जन्म ग्रहण करना होता है, और उस ग्रहण किए हुए जन्म के कर्म के हिसाब से फिर उसको किसी लोक में भेजा जाता है, जो कि ऊपर या नीचे कहीं भी हो सकता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा के काम कैसे रहे हैं। अगली लाइन कहती है भाई कि जब प्रलय होगा तो प्रलय के समय ये जो ग्रह हैं वो वापस जो है परमात्मा में जाकर के मिल जाएंगे। इसका ये मतलब है कि ये जो ग्रह हैं ये परमात्मा के अवतार हैं, क्योंकि भैया अब भगवान तो बार बार अवतार ले नहीं सकता ना, बार बार तो विष्णु धरती पे आ नहीं सकते, तो इसलिए उन्होंने जो है ये ग्रहों को हमेशा हमेशा के लिए आसमान में रख दिया है कि भैया जो भी काम होगा वो तुम्हें देख लेना, भैया हमें बार बार डिस्टर्ब ना होना पड़े। तो जो है प्रलय के समय जो है ये ग्रह भी वापिस परम प्रभु में ही मिल जाएंगे, और इस प्रकार ग्रह जो होता है वो सृष्टि और संहार के बारे में इंसान को सूचना देते हैं, क्योंकि भैया जब ये ग्रह वापिस भगवान में मिल जाएंगे और जब इस ग्रह से ही इंसान आ रहा है और इसमें वापस जा रहा है, तो इससे जो है आपको जो है सृष्टि और संहार के बारे में तो पता चल रहा है, और क्योंकि इस ग्रहों के ज्ञान से ही आपको सृष्टि और संहार के बारे में पता चल रहा है, इसके लिए हर व्यक्ति को ज्योतिष सीखनी चाहिए, ठीक है। ब्राह्मण को तो खास करके सीखनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का काम है ब्रह्म को जानना, और ब्रह्म को जानने के लिए इस ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है, जो कि आप अब तक समझ ही गए होंगे। वो लोग जो लोग कि ज्योतिष को नहीं जानते लेकिन ज्योतिष के बारे में बुरी बातें करते हैं, वो रौरव नाम के नरक में रहते हैं और अगले जन्म में अंधे पैदा होते हैं। यही वो बात है जिसका मैंने पहली स्लाइड को जब मैं व्याख्या कर रहा था तब मैंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो इसके साथ ही ये स्लाइड हमारा खत्म हो गया। सृष्टि और अवतार नाम से मैंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में मैंने अवतार तत्व के बारे में और भी बहुत ज्यादा बात की है, लेकिन अवतार तत्व एक ऐसा लंबा टॉपिक है जिसको समझाने के लिए 3-4 दिन लगेंगे, उसको एक दिन में समझाना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं बात अवतार की करता हूँ तो फिर वेद आते हैं, फिर पुराण आते हैं, फिर उपनिषद आते हैं, और वेद पुराण उपनिषद पढ़ने के लिए पूरा जन्म जो है काफी नहीं है, और वेद पुराण उपनिषद पर बात खत्म नहीं होती, फिर बहुत सारे मत आते हैं, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत अनुशिष्टाद्वैत, और फिर बहुत सारी जो है लाख प्रकार की चीजें आती हैं, और उन सब चीजों को जो है इतनी आसानी से नहीं बताया जा सकता। तो अभी जो मैंने आपके सामने रखा वो बहुत ही जरूरी और काम चलाऊ ज्ञान है उस दर्शन के बारे में, जिस दर्शन पे वैदिक ज्योतिष टिका हुआ है, लेकिन ज्ञान बहुत गहरा है, और इस ज्ञान को मैंने अब थोड़ा सा अपने सृष्टि और अवतार वाले आर्टिकल में भी दिया हुआ है, जहाँ मैंने जैसे कि हमने इसमें बीच में पढ़ा कि भाई भगवान जो है अलग अलग गुणों के साथ मिलता है, और जो भगवान जो अवतार लेते हैं उनके पास अपने गुण भी होते हैं और पहले वाले गुण भी होते हैं, तो उस आर्टिकल में मैंने ये पूरा बताने की कोशिश की है कि भाई कौन से गुण होते हैं, किस किस प्रकार के गुण होते हैं, और वो गुण जो है उन गुणों से भगवान क्या क्या काम लेता है और क्या क्या काम नहीं लेता है, ये मैंने आर्टिकल में बताने की कोशिश की है। आर्टिकल अंग्रेजी में है, आप में से वो लोग जो अंग्रेजी जोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि मस्त उस आर्टिकल को पढ़िए, जहां पर आपको दिक्कत हो किसी शब्द को समझने में डिक्शनरी साथ में रखिए, शब्द को समझिए, ठीक है। हिंदी में मैं आर्टिकल लिखता नहीं हूँ, लिखने में थोड़ी समस्या होती है, और दूसरा भैया देखिए वेबसाइट का पर्पज ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को पकड़ना, और ये बात तो आप सब जानते हैं, विदेशी पैसा ज्यादा देते हैं, भारतीय लोग पैसा कम देते हैं, इसलिए लिखना अंग्रेजी में ही हो पाता है, अंग्रेजी में ही लिखता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ समझने में कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक का ग्रुप है, उस ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, जो आपको समझने में समस्या हो मुझे फोन कर सकते हैं, फोन पे बात कर सकते हैं, पूछने की कभी कोई मनाही नहीं है, जितना पूछेंगे आपके लिए बेहतर रहेगा और आपका जितना बेहतर होगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये जिस चीज के बारे में हमने इसमें बात की है, जिस दर्शन को मैंने समझाने की कोशिश की है, इस दर्शन को वैदिक वाग्मय में पंचरात्र दर्शन कहा जाता है। पंचरात्र दर्शन में लक्ष्मी तंत्र नाम की पुस्तक है जो उपलब्ध होती है, लक्ष्मी तंत्र की एक पुस्तक, लक्ष्मी तंत्र समीक्षा और व्याख्या करके एक पुस्तक लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी है, हिंदी में है। अगर आप में से किसी को वो पुस्तक मिल सके प्रिंट में तो उसको पढ़ें, उसमें जो है इस पंचरात्र के बारे में जिस फिलोसफी पे ये पूरा स्लाइड बेस्ड है, जिस फिलोसफी पे आपका जो है पराशर महाराज ने पहला और दूसरा चैप्टर लिखा है, ठीक है, जो कि आपका वैष्णव धर्म का सबसे पुराने दर्शनों में से एक है, उस दर्शन की अच्छी व्याख्या जो है आपके लक्ष्मी तंत्र में की गई है, जो कि लखनऊ से छपती है हिंदी में पुस्तक, अगर आपको मिल सके तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी तंत्र की पुस्तक अंग्रेजी में भी छपती है मोतीलाल बनारसी दास से, अगर वो आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं तो आपको पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए, लक्ष्मी तंत्र बहुत अच्छी पुस्तक है।
इसके साथ साथ नारद पंचरात्र आगम करके भी कोई पुस्तक आती है, मैंने पुस्तक देखी तो नहीं है लेकिन पुस्तक आती है, और क्योंकि नाम में पंचरात्र है तो वो पंचरात्र दर्शन से डील करती होगी, ये जाहिर सी बात है। तो उसको भी आपको अवलोकन करना चाहिए अगर आपको अवलोकन करने का समय मिले और अवलोकन करने की रुचि हो तो। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं इस क्लास को बस यहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आशा है कि जितनी बातें मैंने बताई वो आपने बीच बीच में वीडियो को रोक रोक करके उसके बारे में लिख लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो को दोबारा देखें, और जहां आपको लगे मैं कोई जरूरी बात बता रहा हूं उसको लिख लें, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लें और उसको बार बार देखते रहें, क्योंकि जितना आप देखेंगे, जितना आप सोचेंगे, जितना आप चिंतन मनन करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, और जितना आपका बेहतर होगा उतना मुझे अच्छा लगेगा, उतना आपका ज्ञान में वृद्धि होगी, और आपके ज्ञान की वृद्धि करना ही मेरा मकसद है। तो इसी के साथ जो है आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।